रेगला गुफा के द्वार पर पहुंचकर जब रावण ने तमला राक्षस को ललकारा, तब कंटक ने नजदीक आकर रावण से कहा, अगर आप अनुमति दें तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं महाराज लंकेश। रावण ने कहा, जो भी तुम्हारे मन में है उसे तुम निसंकोच कहो। कंटक ने कहा, एक दैत्य होकर दूसरे दैत्य को ललकारना क्या ठीक है रावण? रावण ने कंटक की तरफ देखा और कहा, तुम मेरे नाना दैत्यराज सुमाली के सबसे भरोसेमंद और आज्ञाकारी रहे हो और वर्तमान में तुम लंका के राजदूत हो। तुमको व्यक्ति की पहचान करना अवश्य आना चाहिए। ये बात सही है कि दुष्ट तमला राक्षस कुल से है, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि वो जंगल पर अपना आतंक कायम करने के लिए मासूम और बेजुबान वन्य प्राणियों की अकारण हत्या कर रहा है। ये राक्षस धर्म नहीं है। तमला को उसके पापों की सजा देने से मुझे ये बात नहीं रोक सकती है कि वो मेरे ही कुल से संबंध रखता है। मैं इसी जंगल में पला बड़ा हूँ कंटक। ये जंगल मेरा दूसरा घर हुआ करता था और यहाँ रहने वाले सभी वन्य प्राणी मेरे परिवार के सदस्य की तरह है। अगर इन सब ने मेरी तरफ मदद के लिए आशा से भरी नजरों से देखा है तो मेरा ये कर्तव्य है कि उस दुष्ट तमला राक्षस को सजा देकर अपने वन्य जीवों का साथ दूं। रावण की बातें सुनकर कंटक ने उसे प्रणाम किया और कहा, आपने तो मुझे निरुत्तर ही कर दिया लंकेश। अब मैं आपकी बात से सहमत हूँ और आपका साथ देने के लिए आपके पीछे खड़ा हूँ। रावण ने रेगला गुफा के कपाट के समीप जाकर पुनः तमला राक्षस को ललकारा। उसने कहा, तमला बाहर आओ। तुमने जंगल के जीवों को मारकर उन पर घोर अपराध किया है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि बाहर आकर मुझसे युद्ध करो या ये जंगल छोड़कर चले जाओ। रावण की ललकार सुनकर तेज गर्जना के साथ तमला राक्षस गुफा से बाहर निकला। ठहाका लगाकर चिल्लाते हुए उसने कहा, मेरी शक्तियों के सामने तू अभी बच्चा है रावण। अगर तू एक दैत्यानी के पुत्र ना होते तो मैं अभी तुम्हारा अंत कर सकता था। तुम शुक्र मनाओ कि तुम्हारी धमनियों में राक्षस कुल का रक्त प्रवाहित हो रहा है और तुमने एक दैत्यानी माता से दुग्धपान किया है, वरना मेरे समक्ष इस तरह ललकारने वाले को मैं सिर्फ एक ही सजा देता हूँ, एक ही, और वो है मृत्युदंड। हंसते हुए रावण ने कहा, तमला, मुझे राक्षस होने की वजह से तुमसे सहानुभूति पाने में कोई रुचि नहीं है। ये मत भूलो कि मेरी धमनियों में प्रवाहित होने वाला रक्त आधा ब्राह्मण का भी है। मैं इन वन्य प्राणियों पर कोई दया नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये सब मेरे जंगल के सदस्य हैं, जिसमें रहकर मैं पला बढ़ा हूँ। इस जंगल का ऋण है मेरे ऊपर। तुम्हें अभी यह जंगल छोड़कर जाना होगा। अगर तुम्हें अस्वीकार है तो तुम्हें ये लोक ही छोड़ना पड़ेगा। क्या कहा? तुम मुझे परलोक भेजोगे? अब तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि तमला राक्षस कौन है। इतना कहते ही तमला राक्षस ने तेज धार वाली तलवार से रावण पर हमला कर दिया। वन्य जीवों के चेहरों पर भय की छाया मंडराने लगी। तमला अति बलशाली मायावी राक्षस था। रावण ने तमला की तलवार के वार को रोकने के लिए अपनी तलवार का प्रयोग किया। उसने महसूस किया कि तमला के वार को रोकने के लिए उसे अत्यधिक बल लगाना पड़ा। अब रावण ने दुष्ट तमला के ऊपर अपनी विशेष तलवार से वार किया, परंतु इतनी ही देर में तमला ने एक खरगोश का रूप धारण कर लिया और जंगली झाड़ियों की झुरमुट में जा छिपा। रावण ने जब तमला का ये पैंतरा देखा, तब उसे समझते देर नहीं लगी कि ये तमला एक मायावी और शक्तिशाली राक्षस है। वो झाड़ियों में इधर उधर दुष्ट तमला को तलाशने लगा। कभी वो झाड़ियों में दिखाई दे रहा था तो कभी विलुप्त हो जा रहा था। कंटक राक्षस से खरगोश बन चुके तमला की हरकतों को बहुत गौर से देख रहा था। उसने देखा कि बार बार रावण अपने धनुष से उस खरगोश को निशाना बनाकर तीर चला रहा था, परंतु तमला एक क्षण में यहां तो अगले ही क्षण फुदक कर दूसरी झाड़ी में जा छिपता था। रावण बार बार उस चंचल खरगोश के ऊपर निशाना साधता था, परंतु इससे पहले कि उसका तीर खरगोश तक पहुंच पाता, वो बहुत फुर्ती से फुदक कर अपना स्थान बदल लेता। रावण तमला की इस हरकत से क्रोधित हो रहा था। रावण ने तमला से कहा, तुम अपनी मायावी शक्तियों को ढाल बनाकर मुझे अधिक समय तक चकमा नहीं दे सकते हो। तमला, तुम्हारी भलाई इसी में है कि मुझसे आमने सामने का युद्ध करो। अगर मैंने अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल कर लिया तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है।
खरगोश रूपी तमला राक्षस ने झुरमुट के पीछे छिपकर कहा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। मैं कहता हूँ कि तुम इन जंगली जानवरों की भलाई छोड़कर अपनी जान बचा लो और यहाँ से चले जाओ। हाँ, वरना आज मैं तुम्हारी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। तमला की ललकार को सुनकर रावण अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने एक विशेष तीर निकालकर अपने धनुष के प्रत्यंचा पर चढ़ाया और आकाश की ओर देखते हुए कुछ मंत्र पढ़ने लगा। एक छोटी सी मंत्र साधना के उपरांत रावण ने उस तीर को तीव्र गति से छोड़ दिया। ये देखकर कंटक बहुत हैरान हुआ और उसने स्वयं से कहा, अरे ये महाराज लंकेश ने उस तीर को खरगोश की तरफ निशाना न करके आसमान की ओर लक्ष्य करके क्यों चला दिया। कंटक ने देखा कि रावण द्वारा चलाया गया तीर ऊपर आसमान में जाकर सीधे बादलों से टकराया और अचानक एक तीव्र ध्वनि के साथ बिजली चमकी। देखते ही देखते जंगल के बीचों बीच उस स्थान पर बहुत तेज वर्षा होने लगी। अचानक शुरू हुई इस बरसात से खरगोश का रूप धारण कर चुका तमला राक्षस झाड़ियों में भीगने लगा। बरसात से बचने के लिए अब वो एक तोते का रूप धारण करके उड़ता हुआ एक ऊंचे वृक्ष में जा छिपा। रावण ने उसे तोता बनकर उड़ते हुए देखा और कहा, दुष्ट तमला, अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करके क्या सोचता है कि तुम विजयी हो जाओगे? नहीं, कदापि नहीं। अब तो आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, तो यह हर परिस्थिति में होकर रहेगा। रावण अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए अपने दोनों हाथ मोड़कर एक विशेष मुद्रा में खड़ा हो गया। इसी बीच उसने देखा कि कंटक ने उसे रुकने का इशारा किया और स्वयं एक चील का रूप धारण करके उस ऊंचे पेड़ के शिखर की ओर उड़ने लगा। रावण ने यह दृश्य देखकर ऊंची आवाज में कंटक से कहा, कंटक, ये मेरा शिकार है, इसने स्वयं मुझे ललकारा है, तुम बीच में मत आओ, इसकी मृत्यु मेरे हाथों ही लिखी है। चील बने कंटक ने उड़ते हुए कहा, मैं कहीं बीच में नहीं आ रहा हूँ महाराज, आप बस देखते जाइए अब क्या होता है। रावण ने अपनी आंखों को ऊपर करके देखा। ऊंचे आसमान में चील रूपी कंटक अपने दोनों पंखों को फैलाकर गिद्ध दृष्टि नीचे गड़ाए हुए बहुत तेजी से धरती की तरफ आ रहा था। अगले ही पल नीचे आता हुआ कंटक वृक्षों के बीच कहीं गायब हो गया। रावण हैरानी से चारों तरफ देखने लगा। अचानक रावण को तोते के चीखने की आवाज सुनाई पड़ी और रावण ने देखा वृक्ष के शिखर से तेजी से उड़ता हुआ चील रूपी कंटक नीचे धरती की ओर आ रहा था और उसने अपने पंजों में तोते को दबोच रखा था। नीचे उतरते ही चील वापस अपने वास्तविक रूप कंटक के रूप में परिवर्तित हो गया। तोता भी अब अपने वास्तविक रूप तमला के रूप में रावण के सामने खड़ा था। इस दुष्ट राक्षस के वध के लिए रावण को कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ा। रावण ने एक ही मुक्के के प्रहार से तमला राक्षस को जमीन पर गिरा दिया और उसकी तलवार को उसी की छाती में घोप कर तमला राक्षस को इस लोक से मुक्ति दे दी। तमला वध के उपरांत रावण ने उसकी लाश के पास जाकर कंटक से कहा, देख रहे हो कंटक, अगर तुम समझते हो इसका वध मैंने किया है तो यह पूरा सत्य नहीं होगा। मृत्यु के द्वार तक इस दुष्ट के अहंकार ने इसे पहुंचाया है। कंटक ने हां में सिर हिलाते हुए कहा, जी लंकेश, ये तो जगत सत्य है, अहंकार मृत्यु का द्वार खोल देता है। तमला राक्षस का विशालकाय शरीर धरती पर निर्जीव पड़ा था। अब ना तो वो दहाड़ रहा था और ना ही अट्टहास कर रहा था। उसको मृत देखकर जंगल के सभी जीव जंतु खुशी से उछल कूद मचाने लगे। अब रावण और कंटक ने तमला राक्षस के वध के उपरांत सभी जीव जंतुओं से राजमहल वापस जाने की अनुमति मांगी। इस पर हिरनी चपला ने कहा, आज तो आपने हम सबको तमला राक्षस के आतंक से बचा लिया रावण, इसके लिए हम सभी जंगल में प्रवास करने वाले जीव जंतु पक्षी और सर्प आपके सदैव ऋणी रहेंगे। आप जाने की अनुमति मांग रहे हैं, भला हम आपको अनुमति देने वाले कौन होते हैं? ये जंगल आपका ही तो है, आप आज तो जा सकते हैं महाराज, परंतु आपको एक वचन देना होगा कि पूर्व की भांति ही आप एक बार अपनी वीणा के साथ पुनः इस वन में आएंगे। हम सब जीव जंतु आपकी वीणा की मधुर तान को सुनकर पुनः मंत्रमुग्ध होना चाहते हैं। रावण ने प्रस्थान करते समय सबको ये वचन दिया कि निकट भविष्य में ही वो पुनः अपनी वीणा के साथ जंगल में उपस्थित होगा। जैसे ही कंटक और रावण वहां से जाने लगे उस समय पीछे से आवाज आई, रुक जाओ लंकेश। कहते हुए एक ऋषि मुनि रावण के पास आए और बोले,
तुमने इस तमला का वध करके इसे मुक्ति दे दी है। जब तमला रेगला गुफा में आया था उस समय मैं मही तपस्या कर रहा था। इसे देखते ही मैं समझ गया कि यह एक श्रापित दैत्य है। तुमने इसका वध करके इसे मुक्ति दे दी है। अब इसका नया जन्म तुम्हारे किसी मददगार के रूप में होगा। जाओ लंकेश। रावण ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर नमन किया और कंटक और रावण राजमहल में वापस आ गए। राजमहल में आकर रावण भोजन करने के उद्देश्य से भोजनालय में गया। तभी भागती हुई शूर्पणखा वहां आई और रावण से कहने लगी, भैया ये क्या, मुझे जो शयन कक्ष दिया गया है वो इतना छोटा क्यों है? मुझे अभी तुरंत इसी समय किसी बड़े शयन कक्ष में जाना है। जाना है तो बस जाना है। हाँ, मैं इतने छोटे से शयन कक्ष में नहीं रह सकती। ना तो वहां कोई बड़ा बिस्तर लग पाएगा और ना ही मेरे सौंदर्य प्रसादन की साजो सामान रखे जा पाएंगे। भैया मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि अभी के अभी मेरे लिए राजमहल का कोई भव्य और सुंदर सा शयन कक्ष दिलवाइए, नहीं तो मैं आपको खाना नहीं खाने दूंगी। हाँ, शूर्पणखा की बात को सुनकर हंसते हुए रावण ने कहा, अरे बहन, इतनी छोटी सी बात तुम्हें मुझसे कहने की क्या आवश्यकता है? अगर तुमने किसी भी सेवक से ये बात कह दी होती तो महल के सारे शयन कक्ष तुम्हारे लिए खोल दिए गए होते। जाओ, मैं कंटक को तुम्हारे साथ भेजता हूँ। पूरे स्वर्ण महल में जिस भी शयन कक्ष का चयन करोगी वही तुम्हारा हो जाएगा। इतनी सी बात के लिए इतनी बड़ी हट। ओह, जाओ आज सबसे खूबसूरत सबसे भव्य शयन कक्ष अपने लिए चुन लो। शूर्पणखा के जाते ही रावण सोचने लगा कि मैं एक तरफ नाना श्री से इस बावरी कन्या के विवाह की चिंता व्यक्त कर रहा था और दूसरी तरफ यह है कि अपने बचपन से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे शूर्पणखा, तुम कब बड़ी होगी? रावण ये सोचकर मनी मन मुस्कुराने लगा। इसी बीच एक सैनिक ने आकर रावण से कहा, लंकापति रावण की जय हो। हे लंकेश्वर, आपको सूचित करना है कि कल कुंभकर्ण की तलाश में जंगल में गए सेनापति मलय राजमहल में वापस लौट चुके हैं और वे आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। रावण ने उन्हें अंदर भोजनालय में आने की अनुमति दे दी। सेनापति मलय ने भोजनालय में आते ही रावण का अभिवादन किया। महाराज लंकेश की जय हो। रावण ने उत्सुकतावश मलय से पूछा, कहां है कुंभकर्ण? क्या वो अभी भी निद्रा में है? मलय ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो सिर झुकाकर खड़ा रहा। रावण ने चिल्लाते हुए दोबारा पूछा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो मलय? कहां है मेरा भाई कुंभकर्ण? मलय ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, हम लोगों ने उन्हें घने जंगल में बहुत ढूंढा महाराज, परंतु वे दैत्यराज की कुटिया के साथ साथ पूरे जंगल में कहीं नहीं मिले। कुंभकर्ण कहीं गायब हो गए हैं दशानन। रावण की आंखों से क्रोध की चिंगारी निकलने लगी। उसने क्रोधित मुद्रा में ग्रीवा की तरफ देखा। ग्रीवा भी यह सुनकर हैरान था कि आखिर गुप्तचर विभाग से यह गलती कैसे हो गई कि कुंभकर्ण के गायब होने की खबर लंका तक इतनी देर से पहुंच रही है और अब कुंभकर्ण कहां है। रावण को जब ये पता चला कि कुंभकर्ण जंगल में नहीं है वो क्रोध और दुख से भर गया। उसने अपने नाना सुमाली की तरफ देखा और कहा, नाना श्री, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि कुंभकर्ण जंगल में नहीं है। उसने ब्रह्मा जी से निद्रा का वरदान पाया था और निश्चित ही वो आपकी कुटिया के आसपास गहरी निद्रा में सो रहा होगा। मैं स्वयं वन में जाकर कुंभकर्ण को ढूंढना चाहता हूँ। इस जंगल का एक भी कोना ऐसा नहीं है जिससे मैं अपरिचित हूँ। मुझे लगता है मलय से कोई लापरवाही हुई होगी, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि जब मैं वन में कुंभकर्ण को खोजने निकलूंगा तो अपने भाई को अवश्य ढूंढ कर निकाल लूंगा। सुमाली ने कहा, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए रावण, क्योंकि तुम बच्चों में सिर्फ वही है जो अब तक इस स्वर्ण महल में नहीं पहुंचा। मुझे भी इस बात की चिंता है। रावण ने सुमाली से प्रस्थान करने की आज्ञा ली और कुछ सैनिकों, सेनापति मलय और अपने सहायक कंटक के साथ वन की ओर निकल पड़ा। इस बीच
सुमाली राजमहल स्थित उद्यान में बनी उस कुटिया में गए जहां कैकसी विश्राम कर रही थी। उसने कैकसी को सूचित किया कि रावण कुंभकर्ण को लाने के लिए वन की ओर प्रस्थान कर गया है। जब ये बात कैकसी की सेवा कर रहे विभीषण को पता चली तो उसने कहा, क्या नानाश्री कुंभकर्ण अभी भी वन में है? राजमहल में प्रवेश और माता श्री का कुटिया में निवास करने के निर्णय के बीच मैं ये भूल ही गया कि अपने भाई कुंभकर्ण की खोज खबर ले सकूं। लेकिन भैया रावण को मुझे जरूर सूचित करना चाहिए था। मैं भी जंगल में जाकर कुंभकर्ण की खोज में रावण भैया की मदद करना चाहता हूँ। इतना कहकर अपनी माता और नाना का आशीर्वाद लेकर विभीषण जंगल की तरफ प्रस्थान कर गया। सूर्यास्त हो चुका था और जंगल के रास्ते शाम के समय और अधिक दुर्गम होते चले जा रहे थे। विभीषण ब्रह्मा जी की घोर तपस्या के दौरान अपने भाई रावण और कुंभकर्ण के साथ जंगल में रहने का आदि हो चुका था। विभीषण भी जंगल के रास्तों से परिचित था, इसलिए गहराते अंधेरों के बीच जंगल की पगडंडियों पर चलते हुए उसे कोई खास मुश्किल नहीं आ रही थी। रात होते होते विभीषण अपने नाना की कुटिया में पहुंच गया। ये वही कुटिया थी जहां तीनों भाई और बहन शूर्पनखा ने अनेक वर्ष गुजारे थे और इसी कुटिया से निकलकर सभी लोग राजमहल तक पहुंचे थे। विभीषण ने कुटिया में जाकर देखा तो रावण, मलय, कंटक सहित सेना की टुकड़ी एक वृक्ष के नीचे चिंताजनक मुद्रा में बैठे थे। कोई किसी से कुछ बोल नहीं रहा था, सबके चेहरे पर उदासी थी। ये देखकर विभीषण को किसी अनिष्ट की आशंका ने घेर लिया। उसने घबरा कर पूछा, भैया आखिर क्या बात है? आप सभी लोग चुपचाप क्यों बैठे हैं? सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें मैं देख पा रहा हूँ। कृपया मुझे बताइए कि आखिर क्या बात है जिसने आप सबको चिंता में डाल रखा है? रावण ने विभीषण के सवाल का उत्तर दिया, हम सब लोग महल से यहाँ इसलिए आए थे कि कुंभकर्ण को यहाँ से लेकर हम राजभवन जा सके, परंतु विभीषण हमने जंगल का कोना कोना छान लिया। हमने कुटिया के चारों तरफ जंगल में कुंभकर्ण को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुंभकर्ण का कहीं नामो निशान नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि इतने बलिष्ठ और विशाल शरीर के स्वामी मेरे प्रिय भाई कुंभकर्ण को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। आखिर ये कुंभकर्ण हम लोगों को मिल क्यों नहीं रहा? यहाँ कोई और प्राणी जीव जंतु ये बताने को भी तैयार नहीं है कि आखिर वो कहाँ गया। मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ कि आखिर हमारा कुंभकर्ण गया तो कहाँ गया। रावण की बात को सुनकर विभीषण कुछ देर तक खामोश रहा। वो कुछ सोच में पड़ गया और फिर अचानक ऐसे चिल्लाया जैसे उसे कुंभकर्ण का पता चल गया हो। उसने उत्तेजित होकर कहा, अरे भैया मुझे याद आया, जब हम लोग ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या के उपरांत वरदान प्राप्त करने के बाद नाना जी की कुटिया यानी इस स्थान पर आए थे, उस समय भ्राता कुंभकर्ण की आंखों में नींद छाई हुई थी। याद है आपको, वो बार बार कह रहे थे कि ब्रह्मा जी का वरदान इतना प्रभावी होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे इतनी तेज नींद आ रही है कि मैं चल फिर भी नहीं पा रहा हूँ। मैंने भ्राता कुंभकर्ण को ये कहा था कि आप नाना जी की कुटिया में विश्राम कीजिए, क्योंकि आपने निद्रा का वरदान मांगा था, इसलिए अब 6 माह तक आप इसी अवस्था में रहेंगे। मेरी बात को मानकर भ्राता कुंभकर्ण सोने ही जा रहे थे कि अचानक उन्हें याद आया और उन्होंने मुझसे कहा था, विभीषण जिस तलवार से रावण भैया ने अपने शीश की आहुति दी थी, हम लोग तो वो तलवार ला ही नहीं पाए, वो अभी भी तपस्या स्थल पर पड़ी होगी। मैंने उनसे कहा कि अब एक तलवार को लेने के लिए हम इतनी दूर घने जंगल में तपस्या स्थल पर क्या जाएंगे भ्राता, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम नहीं जाते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे रावण भैया की तलवार लाने के लिए जाने दो। अनेक वर्षों की कठोर तपस्या के बाद मैं भी थकान से भरा हुआ था, इसीलिए कुंभकर्ण आपकी तलवार लाने के लिए तपस्या स्थल के लिए प्रस्थान कर रहे थे तब मैं उनके साथ नहीं जा पाया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भ्राता कुंभकर्ण अवश्य ही तपस्या स्थल के आसपास निद्राग्रस्त हुए होंगे और आपकी तलवार लाने के बजाय वो तपस्या स्थल पर गहरी नींद का आनंद ले रहे होंगे। नाना सुमाली की कुटिया में बैठे रावण के साथ साथ मलय, कंटक और सभी सैनिकों ने राहत की सांस ली। सबके चेहरे पर छाई हुई चिंता के बादल फट गए और रावण के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, वाह वाह वाह, तुमने तो ये बात कहकर मेरी सारी चिंता ही दूर कर दी। चलो हम सब इसी वक्त घनघोर जंगल में प्रवेश करेंगे और रातों रात तपस्या स्थल तक का सफर तय करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो तुम कह रहे हो वही सत्य है। इतना कहकर रावण ने सैनिकों को अपने पीछे आने का आदेश दिया।
रावण, विभीषण, सेनापति मलय और सहायक कंटक सभी लोग घने जंगल में प्रवेश कर गए और तपस्या स्थल तक की यात्रा आरंभ कर दी। रात के अंधेरे में जंगल का मार्ग अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। सैन्य टुकड़ी के पास रोशनी करने का कोई इंतजाम भी नहीं था। रावण ने कहा, क्या आप सबको मेरे पीछे आने में अवश्य ही परेशानी हो रही होगी, लेकिन मैं जंगल के कोने कोने को अच्छी तरह पहचानता हूं, इसीलिए कोई भी इस कारवां का साथ ना छोड़े, मेरे पीछे पीछे आप सब चलते रहिए। कंटक ने रावण की बात को सुनकर मजाकिया लहजे में कहा, जय लंकेश, जय जय लंकेश, आपने मुझे अभी पहचाना ही नहीं है महाराज। अरे ये अंधेरा क्या है, कुछ भी नहीं, मैं इस अंधेरे को कुछ ही क्षणों में गायब कर सकता हूं, और आप कहें तो आपकी राह को रोशनी से भर सकता हूं, बस आपके इशारे का इंतजार है महाराज। रावण ने कहा, कंटक ये विनोद करने का समय नहीं है, अगर तुम अपनी बात में गंभीर हो तो ठीक है, रोशनी का इंतजाम करो, अन्यथा चुपचाप इस कारवां में चलते रहो। कंटक ने फिर कहा, अरे मैंने कहा था ना महाराज, जब भी हो कोई संकट काम आएगा कंटक, अभी लीजिए मैं रोशनी का इंतजाम कर देता हूं। इतना कहकर कंटक ने पास रखे दो पत्थर के टुकड़ों को उठाया और दोनों को आपस में तेजी से रगड़ने लगा। पेड़ से टूटने वाले सूखे पत्तों को इकट्ठा करके और पत्थरों को आपस में रगड़ने पर निकलने वाली चिंगारी से कंटक ने कुछ ही क्षणों में आग पैदा कर दी, और उसके बाद वृक्ष की एक टहनी को तोड़कर उसमें सूखे पत्ते और घास लपेटकर एक मशाल का रूप दे दिया। पत्थर के टकराने से उत्पन्न अग्नि से उसने वो मशाल जला ली। अब वो रावण के सामने आया और उसने पुनः कहा, जय लंकेश, जय जय लंकेश, मैंने कहा था ना कि मैं आपके मार्ग को रोशनी से भर दूंगा, तो ये लीजिए मैंने आपकी राह को प्रकाशित कर दिया। रावण कंटक की योग्यता, सूझबूझ और हास्य विनोद के सहज व्यवहार को देखकर खुश हो गया। उसने कंटक की पीठ थपथपाई और कहा, वाह कंटक, तुम तो सच में दुखहरण यंत्री हो, अच्छा लगा कि तुमने अपने मस्तिष्क का इतना अच्छा इस्तेमाल कर अग्नि उत्पन्न कर दी और आगे के रास्ते को प्रकाश से भर दिया। चलो हमें रात भर में इस घनघोर जंगल का मार्ग तय करना है। मैं चाहता हूं कि सूर्योदय से पूर्व हम तपस्या स्थल पर अवश्य पहुंच जाएं। इधर राजमहल में कैकसी को इस बात की चिंता हो रही है कि आखिर उसका पुत्र कुंभकर्ण जंगल में कहां खो गया है। इतने विशाल शरीर और बल के बावजूद भला ऐसा क्या हुआ होगा, भला वो जंगल में ढूंढने से भी मिल क्यों नहीं रहा, आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि कुंभकर्ण अपने नाना की कुटिया में मौजूद नहीं है। रात बढ़ने के साथ ही कैकसी की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। उसने सेवक से कहा कि जाओ राज संरक्षक प्रेतराज सुमाली जी को यह संदेश दो कि मैं उनसे इसी समय मिलना चाहती हूँ। जैसे ही सेवक ने सुमाली को यह संदेश दिया, वो एक क्षण भी गंवाए बिना महल के उद्यान में स्थित कुटिया पर पहुंच गए। सुमाली ने जब अपनी पुत्री कैकसी के चिंतित चेहरे को देखा तब वो समझ गए कि कैकसी को अपने पुत्र की चिंता सता रही है। उसने कहा, तुम जो कहना चाहती हो पुत्री, मैं उस बात को भली भांति समझ पा रहा हूँ, लेकिन जब रावण और विभीषण अपने प्रिय भाई को ढूंढने जंगल में गए हैं, तब तुम इस बात का यकीन रखो कि वो कुंभकर्ण को लेकर ही राजमहल में लौटेंगे। तुम नाहक ही परेशान हो रही हो, हाँ तीनों लोकों में किसी भी शत्रु के मन में ये विचार सपने में भी नहीं आएगा कि वो विशाल काय कुंभकर्ण का बाल भी बांका कर सके। न ही कुंभकर्ण जंगल में गुम होने लायक है, उसका विशाल शरीर दूर से ही दिखाई पड़ जाता है। अगर वो कहीं गहरी निद्रा में भी होगा तो तुम इस बात का यकीन रखो कि हमारा रावण उस तक अवश्य पहुंच जाएगा। हाँ राजमहल में नाना सुमाली कैकसी को दिलासा दे रहे थे, और इधर रात भर घनघोर जंगल का मार्ग तय करके रावण, विभीषण, मलय, कंटक और सैनिकों की टुकड़ी तपस्या स्थल पर पहुंच चुकी थी। तपस्या स्थल के समीप जाते ही शेर की दहाड़ जैसी तेज आवाज सुनाई पड़ने लगी थी। रावण आवाज को पहचानता था। रावण ने तुरंत कहा, हो ना हो कहीं आसपास ही कुंभकर्ण सोया हुआ है, यह उसके खर्राटे की आवाज है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वो हमारे बिल्कुल आसपास कहीं सोया होगा, क्योंकि रात के सन्नाटे में दूर से ही बहुत स्पष्ट उसके खर्राटे की आवाज हम तक आ रही है। हमें तपस्या स्थल की तरफ अपना सफर जारी रखना चाहिए।
लेकिन अब मैं इस बात से निश्चिंत हो गया हूँ कि कुंभकर्ण हमारे आस पास ही है। जब सभी लोग तपस्या स्थल के समीप पहुंचे तब सबने देखा कि एक विशालकाय पर्वत नुमा शरीर जमीन पर गहरी निद्रा की मुद्रा में पड़ा है। वहां पहुंचते ही रावण ठहाके मारकर हंसने लगा। वो यात्रा की थकान को भूल गया और ठहाके मारकर हंसते हुए बोला, ये देखो, ये यहाँ आराम से सोया है और हम सब राजमहल से इतनी दूर इसकी चिंता में दौड़ते हुए चले आए हैं। इस मूर्ख को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि संसार में क्या हो रहा है। इस मूर्ख को तो बस निद्रा चाहिए थी, सो इसको मिल गई। अब इसे दुनिया से कोई मतलब नहीं। रात ढलती जा रही थी और सूर्योदय के पूर्व आसमान में हल्का उजाला छाने लगा था। सबने देखा कुंभकर्ण के शरीर के ऊपर धूल मिट्टी की मोटी परत जम गई है और उस जमी हुई धूल पर वनस्पति जैसे लताओं वाली हरी बेल और घास उसके शरीर पर ऐसे आए थे जैसे पहाड़ पर पौधे उगाते हैं। कंटक ने आगे बढ़कर जैसे ही कुंभकर्ण के शरीर पर जमी धूल की मोटी परत को हटाया, अचानक तपस्या स्थल के आसपास की धरती में कंपन होने लगा। कांपती हुई धरती को देखकर वहां मौजूद सभी लोग डर गए। पहले पहल तो ऐसा लगा जैसे अचानक भूकंप आ गया हो, परंतु ये कंपन भूकंप से बहुत अलग था। अब तक रावण जो अपने भाई के मिलने की वजह से ठहाके मारकर हंस रहा था वो गंभीर हो गया था। वो अब धरती के अचानक कांपने के कारण एकदम से गंभीर हो गया। सब हैरान थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। रावण ने कंटक से पूछा, ये धरती में कंपन कैसी है कंटक? कंटक ने कहा, ये कोई भूकंप नहीं हो सकता है महाराज, क्योंकि जब भी कोई भूकंप आता है तो मनुष्यों को इसका पता चलने से पहले पशु पक्षियों को इस बारे में ज्ञात हो जाता है। इस घने जंगल में ना तो पक्षियों ने चहचहाना शुरू किया और ना ही जंगली जानवरों में कोई विशेष हलचल दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि धरती में होने वाला ये कंपन सिर्फ इसी तपस्या स्थल के आसपास ही हो रहा है। मुझे कुंभकर्ण जी के नजदीक जाकर एक बार गहराई से देखना पड़ेगा कि आखिर इस कंपन का कारण क्या है। रावण ने कहा, हाँ पता लगाओ कि अचानक ये धरती माता डोलने क्यों लगी। कंटक ने कुंभकर्ण के पैरों के पास जाकर देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया, परंतु जैसे ही वो घूमता घूमता कुंभकर्ण के सिर के नजदीक पहुंचा तब उसे ऐसा लगा जैसे कि तीव्र गति से चलने वाली हवाएं उसे कुंभकर्ण की ओर खींच रही थी। अगर उसने स्वयं को संभाला ना होता तो एक तेज हवा कंटक को खींचकर कुंभकर्ण की नाक के नजदीक लेकर चली जाती। कंटक को यह समझते देर न लगी कि कुंभकर्ण जिस तरह से सांस ले रहा था उसी के कारण बहुत तीव्र गति से आसपास की हवा खींचकर उसके फेफड़े में जा रही थी। उसके बाद एक तीव्र ध्वनि का गर्जन हुआ और पुनः धरती डोलने लगी। जब कंटक ने कुंभकर्ण की नाक की तरफ देखा तो उसे यह समझते देर न लगी कि धरती में होने वाला कंपन कुंभकर्ण के अति तीव्र खर्राटे के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। उनके गले से निकलने वाली खर्राटे की तीव्र ध्वनि से धरती में कंपन पैदा हो रहा था। जब जब कुंभकर्ण सांस को अंदर खींचता एक आंधी सी चलने लगती और जब उसके गले से हवा गुजरकर फेफड़े में जाती तो अति तीव्र ध्वनि उत्पन्न हो जाती थी। वापस लौटकर कंटक ने रावण को बताया, महाराज धरती में होने वाली कंपन कुछ और नहीं बल्कि कुंभकर्ण जी के दैत्याकार फेफड़े से निकलने वाली ध्वनि की प्रतिध्वनि से उत्पन्न ऊर्जा है जिससे धरती हिलने लगती है। ये सुनकर रावण सहित सभी लोग हंसने लगे। कुंभकर्ण के समीप ही वो दिव्य तलवार रखी थी जिससे रावण ने अपने 9 शीशों की आहुति अग्निकुंड में दी थी। इस तलवार को देखकर विभीषण ने कहा, भैया देखिए, मैंने कहा था ना कुंभकर्ण इसी तलवार को लेने यहाँ इतनी दूर तपस्या स्थल तक आया था, लेकिन उसकी आंखों में इतनी निद्रा भरी थी कि वो यहां से लौट नहीं पाया और यहीं सो गया होगा। रावण ने कहा, हाँ ये सब तो ठीक है विभीषण, परंतु अभी सबसे जरूरी काम है इस मूर्ख को जगाना, क्योंकि इसे लेकर भी तो चलना है। रावण ने सैनिकों को यह आदेश दिया कि कुंभकर्ण को जगाया जाए ताकि उसे राजमहल ले जाया जा सके। सैनिकों ने उसे हिलाना डुलाना शुरू किया लेकिन कुंभकर्ण पर इसका कोई असर नहीं दिखा। इसके बाद कुछ सैनिक इकट्ठा होकर कुंभकर्ण के कान के पास गए और वहां जाकर के बहुत ऊंचे स्वर में कहा, उठिए कुंभकर्ण जी उठिए,
चलिए आपको लेने आपके भ्राता रावण और विभीषण आए हैं। उठिए कुंभकर्ण जी, उठिए। इस तेज आवाज का भी कुंभकर्ण के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। ऐसा लगता था जैसे अभी धरती का सबसे महत्वपूर्ण कार्य निद्रा लेना ही रह गया है और वही कुंभकर्ण कर रहा था। इसके बाद रावण का निर्देश पाकर सैनिकों ने कुंभकर्ण के शरीर में भाले की नोक को चुबाना शुरू किया ताकि भाले की नोक के चुभन से कुंभकर्ण की निद्रा टूट सके, लेकिन इसका भी कुंभकर्ण के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। रावण ने सैनिक टुकड़ी में शामिल हाथियों को बुलाया और कुंभकर्ण के कान में तेज गर्जना करने के लिए कहा। सारे हाथी एक साथ उसके कान में चिंघाड़ने लगे, लेकिन इसका भी कुंभकर्ण पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ सैनिकों ने कुंभकर्ण के शरीर पर जमी मिट्टी की मोटी परत को साफ कर दिया और उसके शरीर पर उगाए वनस्पति और लताओं को हटा दिया। इसके बाद रावण ने महावत को यह आदेश दिया कि हाथी की सूंड में पानी भरकर कुंभकर्ण पर फेंका जाए। महावतों ने ऐसा ही किया। सैनिक टुकड़ी में शामिल सभी हाथियों को समीप के जलाशय से पानी लाने के लिए भेजा गया। एक साथ सभी हाथियों ने पानी की बौछार कुंभकर्ण के शरीर पर कर दी, परंतु यह कुंभकर्ण ही था जिस पर इसका भी कोई असर नहीं हुआ। बार बार हाथियों को चिघाड़ने और जल की वर्षा करने के काम में लगाया गया, परंतु कुंभकर्ण की निद्रा भंग ना हो पाई। इसके बाद रावण ने आदेश दिया कि हाथियों से रस्सी को बांधकर कुंभकर्ण को हिलाया जाए। सैनिकों ने ऐसा ही किया, परंतु कुंभकर्ण का शरीर था कि हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि किसी बड़े पहाड़ पर रस्सी बांधकर पहाड़ को खिसकाने की तैयारी की जा रही थी। हाथी थक कर बैठ गए, रस्सी जगह जगह से टूट गई, लेकिन कुंभकर्ण था कि टस से मस ना हुआ। थक हार कर सारे सैनिक रावण विभीषण मलय और कंटक एक स्थान पर कुंभकर्ण के समीप ही बैठकर अपना माथा ठोंकने लगे। अत्यधिक थकान से भरा हुआ कंटक कुंभकर्ण की तरफ ध्यान से देखते हुए कहने लगा, चाहे जितनी कोशिश कर लो लेकिन सब बेकार है। थर 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 कांपे धरती, खर्राटे में वो धार है। पाकर ब्रह्मा से वरदान, निद्रा का भूत सवार है। दानवों में महादानव, ये तो साक्षात पहाड़ है। ये सुन मलय ने कहा, ये क्या कर रहे हो कंटक? यहाँ महाराज परेशान है और तुम कविता पाठ कर रहे हो। कंटक ने जवाब में कहा, अरे नहीं सेनापति जी, आपको ये कविता पाठ लगा क्या? मैं तो सच्चाई बता रहा था। हाँ, बस थोड़ा लय में कह गया। फिर कंटक ने रावण की तरफ देखते हुए कहा, हे महाराज, ऐसे नहीं जा पाएंगे कुंभकर्ण जी, अब करना होगा कोई विशेष प्रबंध। रावण ने कहा, इस मुश्किल घड़ी में कभी कविता पढ़ रहे हो, कभी पहेलियां बुझा रहे हो, साफ साफ क्यों नहीं कहते किस विशेष प्रबंध की तुम बात कर रहे हो? कंटक ने कहा, जय लंकेश, जय जय लंकेश। महाराज, इन्हें जगाकर उठाकर या पैदल चलाकर तो राजभवन नहीं ले जा पाएंगे, इन्हें ढोकर ही ले जाना पड़ेगा। रावण ने आश्चर्य से पूछा, क्या ढोकर ले जाना पड़ेगा? इसका क्या अर्थ हुआ कंटक? कंटक ने कहा, महाराज, हमें अपने राज्य के दक्ष काष्ठ शिल्पियों को यह कहना होगा कि एक विशेष रथ का निर्माण किया जाए जिस पर लिटाकर कुंभकर्ण को राजभवन तक ले जाएंगे। इन्हें जगाकर ले जाना असंभव है महाराज, सारी कोशिशें व्यर्थ हैं। 6 माह से पूर्व ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार इन्हें जगाया ना जा सकेगा, इसलिए हम व्यर्थ प्रयास न करें, इन्हें ढोकर ही स्वर्ण महल तक ले चलना होगा महाराज। कंटक की बात को सुनकर रावण ने विभीषण की तरफ देखा। विभीषण आंख बंद करके हां के इशारे में सिर हिला रहा था। इसके बाद रावण ने सेनापति मलय से पूछा, क्या यह संभव है सेनापति? कितना विशाल रथ क्या बनाया जा सकता है जिसमें ढोकर कुंभकर्ण को निद्रा की अवस्था में ही राजमहल तक ले जाया जा सके? मलय ने रावण के प्रश्न का जवाब दिया, हाँ लंकेश, ये संभव है। इतने विशालकाय शरीर को ढोकर राजमहल तक ले जाने के लिए हमें 52 पहियों के रथ की आवश्यकता होगी महाराज, और हमारे राज्य के कारीगर इसे आसानी से बना लेंगे, मुझे उनकी दक्षता का पूर्ण ज्ञान है। रावण ने कहा, तो देर किस बात की, अभी लंका जाओ और कारीगरों को मेरा ये आदेश दो कि 52 पहियों के विशेष रथ का निर्माण करके उसे लेकर यहाँ तपस्या स्थल पर आए। सेनापति मलय ने कहा, आप सब इसी वन में विश्राम करें महाराज, मैं आपके विश्राम करने के लिए साजो सामान और भोजन आदि अभी लंका से भिजवाने का प्रबंध करता हूँ। मुझे लंका जाने की अनुमति दी जाए महाराज, ताकि मैं वहां जाकर अति शीघ्र कारीगरों को रथ बनाने के कार्य में लगा सकूं। रावण ने मलय को अविलंब लंका जाने की अनुमति दे दी।
घोड़े पर सवार होकर मलय लंका की ओर प्रस्थान कर गया। बहुत तेज गति से अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ मलय लंका नगरी पहुंच गया। वहां जाकर उसने युद्ध के लिए साजो सामान बनाने वाले दक्ष कारीगरों को बुलाया और युद्ध स्तर पर 52 पहियों का एक लंबा और मजबूत रथ बनाने का कार्य सौंपा। मलय ने कारीगरों से कहा, तुम सबको ये याद रखना है कि ये महाराज लंकेश्वर का आदेश है और 52 पहियों का बड़ा रथ बनाने के लिए आप सबके पास सिर्फ एक रात्रि का ही समय है। चाहे जितने भी कारीगरों को इस काम में लगाना पड़े या दूसरे प्रदेशों से कारीगर बुलाने पड़े, लंका नगरी में होने वाले युद्ध विभाग के सारे कार्यों को स्थगित करके इस रथ को बनाने का कार्य पूरा कीजिए। मुझे आज ही ये रथ लेकर तपस्या स्थल के लिए रवाना होना है। कारीगरों ने अपने राजा लंकेश्वर के आदेश को सिर माथे पर लिया और युद्ध स्तर पर रथ के निर्माण का कार्य शुरू किया और बड़े बड़े पेड़ के लट्ठों का काटा जाना, कीलों का लकड़ी पर लगाया जाना और पहियों के निर्माण का कार्य चलता रहा और देखते ही देखते एक अद्वितीय रथ बनकर तैयार हो गया था। रथ को देखकर सेनापति मलय ने कहा, यह अविश्वसनीय परंतु सत्य है कि लंका के दक्ष कारीगरों ने इतनी कम समय अवधि में इतना सुंदर और मजबूत रथ बनाकर तैयार किया है। मैं सभी कारीगरों को महाराज लंकेश्वर द्वारा पुरस्कृत करवाऊंगा। एक बार कुंभकर्ण जी लंका में पधार जाएं, उसके उपरांत सभी कारीगरों को विशेष पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। इतना कहकर मलय घने जंगल में स्थित तपस्या स्थल के लिए लंका से रवाना हो गया। इस अद्वितीय रथ को चलाने के लिए 20 सारथियों और 50 अश्वों की आवश्यकता थी। इतने इंतजामों को पूरा करके मलय तपस्या स्थल की ओर जाने लगा। जंगल में कुछ ही देर बाद अश्वों के समूह के एक साथ चलने से ध्वनि यानी अश्वताप सुनाई देने लगी। कंटक ने वृक्ष पर निगरानी कर रहे एक गुप्तचर अभ्यासुर से पूछा, क्या आपके पास कोई खबर है कि घोड़ों के टापों की आवाज जो हमें स्पष्ट तौर पर सुनाई दे रही है वो किस दिशा से आ रही है? अभ्यासुर ने कहा, जी कंटक जी, आसमान में विचरण कर रहे मायावी गुप्तचरों ने यह सूचना दी है कि एक विशाल काय रथ जिस पर लंका राज का राजकीय ध्वज लगा है जंगल में प्रवेश कर चुका है और तीव्र गति से तपस्या स्थल की ओर बढ़ रहा है। अभी इस बात की सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि उस रथ पर कितने लोग सवार हैं, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये वही रथ है जिसे लाने के लिए कल हमारे प्रधान सेनापति मलय यहां से गए थे। रावण को यह जानकर बेहद आश्चर्य हुआ कि इतनी कम समयावधि में इतना विशाल काय रथ भला कैसे तैयार कर लिया लंका के कारीगरों ने। कुछ देर की प्रतीक्षा के उपरांत सेनापति मलय विशाल काय रथ को लेकर कुंभकर्ण के शरीर के समीप उपस्थित हो गया। उसने रथ से उतरने के बाद रावण के समीप आकर कहा, लंकापति महाराज रावण की जय हो। हे दशानन, लंका के दक्ष कारीगरों ने बहुत कम समयावधि में ही इस विशाल काय रथ को तैयार किया है। मैंने उन्हें वचन दिया है कि जब हम कुंभकर्ण जी को सफलतापूर्वक राजमहल में पहुंचा देंगे तब उन सभी कारीगरों को लंका राज्य की तरफ से आपके द्वारा सम्मानित किया जाएगा। बस आपसे प्रार्थना करता हूं महाराज कि मेरे इस वचन का मान रख लीजिएगा। मैं अपने साथ जलपान हेतु कुछ भोजन सामग्री भी लेकर आया हूं और कुछ शीतल स्वादिष्ट पेय भी लाया हूं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि सभी सैनिकों सहित महाराज आप भी कुछ जलपान कर लें। उसके उपरांत इस रथ पर कुंभकर्ण जी को रख करके लंका राजभवन में ले जाने की तैयारी की जाएगी। रावण ने प्रधान सेनापति मलय से कहा, लंकेश प्रसन्न हुआ। मलय, तुमने वास्तव में अभूतपूर्व कार्य किया है और लंका के कुशल कारीगरों ने जो चमत्कार करके दिखाया है वो असाधारण है। तुमने जो लंका के कारीगरों को पुरस्कृत करने का प्रस्ताव दिया है, मैं इसके लिए तुम्हारा आभारी हूँ। जिन कारीगरों के मेहनत का साथ इतना बड़ा चमत्कार पैदा कर सकते हैं, उन कारीगरों का सम्मान करना मेरे लिए अभिमान की बात है। अभी रावण और सेनापति मलय बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक कंटक ने चिल्लाते हुए कहा, ये देखिए लंकेश, कुंभकर्ण जी को चारों ओर से जहरीले सांपों ने घेर लिया है महाराज। अब क्या होगा? इतने सारे सांप आखिर अचानक आए कहां से? कंटक की बात को सुनकर रावण घबरा कर उठा और कुंभकर्ण के विशाल काय शरीर के चारों ओर फैले विशाले नागों को देखने लगा। आखिर ये सांप कहां से आ गए? तपस्या स्थल पर कंटक ने कुंभकर्ण के चारों तरफ अचानक आए सांपों को देखा तो चिल्लाते हुए उसने रावण को बुलाया। इस दृश्य को देखकर सब घबरा गए।
कंटक के बताने पर रावण ने देखा कि सच में कुंभकर्ण के विशाल शरीर को चारों तरफ से बड़े बड़े फन वाले विशाल नाग सांपों ने घेर रखा है। रावण ने मन ही मन सोचा, इतने सर्पों का अचानक यहाँ आ जाना कोई स्वाभाविक बात तो नहीं लगती, मुझे नागराज से बात करनी पड़ेगी। रावण ने अपनी आंखें बंद कर अंतर ध्यान मुद्रा में नागलोक में बैठे नागराज का आह्वान किया। रावण ने कहा, हे नागराज, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप मेरी सहायता कीजिए और इन सांपों को कुंभकर्ण से दूर करिए, मेरा भाई गहन निद्रा की अवस्था में है। नागराज का बार बार आह्वान करने के बाद भी नागराज ने कोई जवाब नहीं दिया। तब ध्यान मुद्रा में लीन रावण ने एक बार फिर से नागराज को बुलाया, तभी कंटक की आवाज रावण के कानों में पड़ी, लंकेश, आप ध्यान में लीन हैं और यहाँ सांप कुंभकर्ण जी के शरीर पर चढ़ते जा रहे हैं, महाराज कुछ करिए। ये सुनते ही रावण ने और तेजी से नागराज का आह्वान किया, हे नागराज, विनती है आपसे कि कृपया तुरंत आप मेरी बात सुनिए, क्योंकि इन सांपों का जीवन खतरे में है। देखिए, मैं पशु और जीव जंतुओं का प्रेमी हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों इन सभी सांपों का वध हो जाए, तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इन विषैले सांपों को यहाँ से तुरंत वापस बुला लीजिए। अगर आपने मेरे अनुरोध को अस्वीकार किया तो इसे आप इन सभी सांपों के सर्वनाश का आमंत्रण समझिएगा नागराज। अंतर ध्यान की मुद्रा से वापस आकर रावण ने आंखें खोली तो देखा कि नागराज ने रावण के अनुरोध को अनसुना कर दिया और अभी भी सारे सांपों ने कुंभकर्ण के शरीर को चारों तरफ से घेर रखा है और कई सांप उसके शरीर पर बैठे हुए थे। इसका अर्थ स्पष्ट था कि नागराज ने रावण की विनती को अस्वीकार कर दिया था। जब रावण को इस बात का आभास हुआ तो उसने नागराज के इस दुस्साहस को अपना अपमान माना और क्रोधित होकर उसने मृत्यु बांटने वाले सांपों को स्वयं मृत्यु लोक में पहुंचाने के लिए अपना आकार बदलना आरंभ कर दिया। देखते ही देखते रावण एक विशालकाय नेवले में परिवर्तित हो गया और बहुत ही चालाकी के साथ नेवला रूपी रावण ने नाग सांपों के ऊपर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। इससे पहले कि निद्रा में लीन कुंभकर्ण के शरीर को घेर कर खड़े नाग कुछ समझ पाते, वे सब रावण के हमले से तिलमिला उठे। नेवला रूपी रावण ने इतनी फुर्ती के साथ उनका संहार किया कि सांपों को बचकर भागने का अवसर भी नहीं मिला। लंका राज्य के सैनिक, गुप्तचर, सेवक, विभीषण और कंटक सभी रावण का ये मायावी रूप देखकर दंग रह गए थे। कंटक की तो आंखें फटी की फटी रह गई थीं। देखते ही देखते पूरा क्षेत्र खून से लथपथ हो गया और अनंत सांपों के शरीर के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। कंटक ये दृश्य देखकर हैरान हो गया था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मायावी शक्तियों का स्वामी दशानन रावण इस प्रकार इन सांपों को उनके दुस्साहस का दंड देंगे। सांपों के संहार के पश्चात रावण अपने वास्तविक रूप में लौटा और उसने सैनिकों को आदेश दिया कि कुंभकर्ण के शरीर के आसपास फैले इन सांपों के क्षत विक्षत शरीर को वहां से हटा दिया जाए। सेनापति मलय ने रावण से कहा, लंकेश, मैं लंका से अपने साथ जलपान हेतु कुछ भोजन सामग्री भी लेकर आया हूँ और कुछ शीतल स्वादिष्ट पेय भी लाया हूँ। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि सभी सैनिकों सहित महाराज आप भी कुछ जलपान कर ले, उसके उपरांत इस रथ पर कुंभकर्ण जी को हस्तांतरित करके लंका राजभवन में ले जाने की तैयारी की जाएगी। रावण ने प्रधान सेनापति मलय से कहा, एक बात बोलूं सेनापति मलय, लंकेश खुश हुआ आपके इस रथ को देखकर, बहुत अच्छा। चलो अब सभी सैनिक जलपान कर ले और जलपान से जो ऊर्जा अर्जित होगी उसका उपयोग सोते हुए कुंभकर्ण को रथ में स्थानांतरित करने के लिए किया जाएगा। सभी लोगों ने जलपान एवं शीतल पेय का आनंद लिया। जलपान के उपरांत रावण ने सेनापति मलय को यह आदेश दिया कि सेना की मदद से कुंभकर्ण को इस विशाल काय रथ में हस्तांतरित किया जाए एवं जंगल के इस तपस्या क्षेत्र से राजमहल की ओर प्रस्थान किया जाए। सेनापति मलय ने कहा, जो आज्ञा महाराज लंकेश। इतना कहकर मलय सैनिकों के साथ कुंभकर्ण के विशाल काय शरीर को रथ में रखने के लिए योजना बनाने लगा। कुछ देर बाद हाथी और मोटी रस्सियों की मदद से सोते हुए कुंभकर्ण को उठाने का प्रयास आरंभ हुआ। हाथियों का सारा बल एक साथ मिलाने के बाद भी कुंभकर्ण का विशाल काय शरीर अपने स्थान से हिलने का नाम नहीं ले रहा था। मोटी मोटी रस्सियां टूट गईं और ऐसा लगने लगा कि कुंभकर्ण को रथ में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। ये देखकर रावण ने सैनिकों को पीछे हट जाने का आदेश दिया। उसने तेज आवाज में कहा,
कि मायावी सिद्धियों से परिपूर्ण जो विशेष रूप से प्रशिक्षित गुप्तचर एवं सैनिक यहाँ हमारे बीच मौजूद हैं, वे इस तरफ इस वट वृक्ष के नीचे खड़े हो जाए। मायावी शक्तियों के प्रशिक्षित सैनिकों और गुप्तचरों की संख्या बहुत कम थी। कुछ ही देर में मायावी शक्तियों वाले सैनिक एवं गुप्तचर वट वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। रावण ने कहा, अपनी मायावी ताकतों का इस्तेमाल करके तुम सब अपने वास्तविक आकार से 100 गुना बड़ा आकार धारण कर लो और मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। हम सब मिलकर एक साथ कुंभकर्ण के शरीर को उठाएंगे। सहस्त्र हाथियों का बल जिस कार्य को नहीं कर सकता, हमारी सम्मिलित मायावी शक्तियां वो कार्य आसानी से पूर्ण कर सकती हैं। सभी सैनिकों एवं गुप्तचरों ने ऐसा ही किया। रावण सहित सभी मायावी सेना के लोगों ने अपने आकार को 100 गुना अधिक बड़ा बना लिया। उन सब के आकार के सामने वहां उपस्थित बाकी सैनिक छोटे खिलौनों या कीड़े मकोड़ों की तरह दिखने लगे। सभी मायावी सैनिकों ने मिलकर सोते हुए कुंभकर्ण को एक साथ उठाया और जो काम अब तक असंभव प्रतीत हो रहा था वो अचानक संभव हो गया। सभी मायावी सैनिकों ने एक साथ जोर लगाया और कुंभकर्ण के विशालकाय शरीर को उठाकर रथ पर सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दिया। इसके बाद सभी सैनिक अपने वास्तविक आकार में आ गए। ये देखकर वहां उपस्थित सभी सैनिक एवं सेवकों ने उत्साह में तालियां बजाना शुरू कर दिया। अब रावण ने आदेश दिया कि रथ को खींचकर राजमहल की ओर ले जाया जाए। जैसे ही सारथियों ने रथ में बंधे घोड़ों को चलने का आदेश दिया कि अचानक तेज आंधियां चलने लगीं। हवा और धूल का इतना भयंकर गुबार उठा कि जंगल के रास्ते धुंधले हो गए। आगे का मार्ग दिखाई देना बंद हो गया। रावण ने मलय से कहा, ये कोई साधारण आंधी नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने हमारे मार्ग को रोकने का प्रयास किया है। ऐसा लगता है जैसे कोई कुंभकर्ण को जंगल से राजभवन ले जाने से हमें रोकना चाहता है। मलय और कंटक कुछ कह न सके। वो आश्चर्यजनक भाव से धूल के उस गुबार को देखते रहे जिससे पूरा जंगल ढक गया था। जंगल के रास्ते विलुप्त हो गए थे और तपस्या स्थल का माहौल भयावह बन गया था। रावण ने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम? मेरे मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने का कारण क्या है? धूल के गुबार का सहारा लेकर अपने आप को छुपा क्यों रहे हो तुम? सामने आओ, अपनी पहचान बताओ, कौन हो तुम? रावण का इतना कहना था कि हवाओं में ठहाके की तेज आवाज गूंजने लगी। किसी के अट्टहास की आवाज सुनाई देने लगी। अहंकारी रावण, तुमने क्या सोचा था कि नाग सेना का वध करके तुम नाग हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे? तुमने क्या सोचा था कि नागराज को चुनौती देकर तुम आसानी से इस जंगल से निकल पाओगे? क्या तुम्हें मालूम है कि अनेक वर्षों तक तपस्या के लिए तुमने जिस स्थान को चुना था वो स्थान धरती पर स्थित नागधाम है। यहां सर्प उपासक, नाग साधक और इच्छाधारी सांपों का बसेरा है। इस स्थान पर जब तक तुम तपस्या करते रहे यहां रहने वाले नागों का जीवन अस्त व्यस्त रहा। इसके बाद जब तुम्हें वरदान प्राप्त हो गया, उसके उपरांत जब तुम्हारे भाई कुंभकर्ण ने हमारे नाग धाम को अपना शयन कक्ष समझ लिया, उस समय से अब तक यहाँ रहने वाले इच्छाधारी नागों का जीवन कष्टमय हो गया। उसके खर्राटे की कर्कश आवाज से नाग साधकों की साधना में विघ्न पड़ा है। ये सब सुनते ही रावण, कंटक और साथी सभी लोग हैरान रह गए। रावण ने कुछ कहना चाहा, उससे पहले ही नागराज ने आगे कहा, तुम और तुम्हारे भाइयों की वजह से हमारे नाग धाम का जीवन तहस नहस हो गया है। अंतर्ध्यान की मुद्रा में मुझको समझाने और चुनौती देने वाले रावण, लो मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। आज या तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा या अपनी पराजय को स्वीकारते हुए इतने वर्षों तक नाग धाम को अस्त व्यस्त रखने के लिए क्षमा मांगनी होगी। मुझसे ही नहीं, तुम्हें क्षमा मांगनी होगी उन तमाम इच्छाधारी नागों से, उन तमाम नागिनों से जिनके अंडे सर के बिलों पर कुंभकर्ण के सो जाने की वजह से नष्ट हुए, उन तमाम नाग साधकों से जिनकी साधना में तुम असुर भाइयों की वजह से विघ्न पड़ा, उन तमाम नाग उपासकों से जिनकी उपासना तुम दैत्यों के कारण भंग हुई। रावण ने कहा, नागराज आप मेरे सामने आइए, मैंने आपसे विनती की थी लेकिन आपने मेरी बात को अनसुना कर दिया।
और जब मेरे भाई के शरीर पर सांप सेना चढ़ने लगी तब मुझे अपने भाई की रक्षा के लिए उन्हें मारना पड़ा। नागराज ने जवाब में कहा, तुम क्या रक्षा करोगे? मेरे सर्प सैनिकों ने बहुत पहले ही तुम्हारे भाई कुंभकर्ण के शरीर में इतना जहर उतार दिया होता कि वो सदैव के लिए सो गया होता। परंतु मैं तुम्हारे यहाँ आने की प्रतीक्षा कर रहा था रावण, पहले क्षमा मांगो फिर अपने भाई को यहाँ से ले जाना। अच्छा होगा कि तुम ये समझ लो कि ये नाग धाम है और नाग भूमि पर सिर्फ नागराज का शासन चलता है। रावण, तुम और तुम्हारे सैनिकों का यहां से इतनी आसानी से प्रस्थान कर पाना संभव नहीं है। रावण ने देखा कि धीरे धीरे धूल का काला गुबार छंटने लगा है और एक विशालकाय 11 फन वाला शेषनाग कुंभकर्ण के रथ के सामने खड़ा है। रावण को समझते देर नहीं लगी कि वट वृक्ष की ऊंचाई वाला ये 11 फन वाला विशालकाय सांप नागवंश का राजा नागदेव ही है। रावण ने कहा, हे नागदेव, आपने जो कहा यह सुनकर मुझे ऐसा लगा कि जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आपको यह भी तो समझना होगा कि जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ है। हम भाइयों ने जब तपस्या के लिए स्थल का चुनाव किया था तो वो इसलिए किया था क्योंकि यह अत्यंत शांत स्थान था और हमारे लिए तपस्या हेतु सर्वोत्तम स्थान इस जंगल में यही था। हमने जानबूझकर नाग धाम के क्रियाकलापों को बाधित करने का कार्य नहीं किया। अगर हमें ज्ञात होता तो निसंदेह हमने तपस्या हेतु किसी अन्य स्थान का चयन किया होता नागदेव। अगर आप उचित समझें तो इसे हम तीनों भाइयों की भूल समझकर हमें यहां से जाने का मार्ग दे दें, नहीं तो कोई बात नहीं, हम बलपूर्वक आपको अपने रास्ते से हटाने के लिए बाध्य होंगे। रावण की बात को सुनकर 11 फन वाले विशालकाय शेषनाग ने नागदेव का रूप धारण कर लिया और रावण से कहा, एक तो गलती और ऊपर से धमकी, तुमने जितना दुस्साहस और अनर्थ किया है रावण, उसकी वजह से तुम्हारे लिए मार्ग को छोड़ना और सहजता से तुम्हें जाने देना मेरे लिए असंभव है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि नाग धाम को तुम्हारी वजह से जो नुकसान पहुंचा है उसके लिए अगर तुम मुझसे क्षमा मांग लो तब तुम्हारा इस जंगल से राजभवन की तरफ जा पाना संभव होगा, अन्यथा परिणाम के लिए तैयार रहो। कंटक ने ऊंची आवाज में कहा, नागराज आप ये क्या कह रहे हैं? ये हैं स्वयं महाराज रावण, अमरता का वरदान प्राप्त दशानन, जिन पर आपके विष का कोई असर नहीं होगा, मायावी शक्तियों के स्वामी लंकेश। क्या आपको लगता है कि अजेय पराक्रमी लंकेश्वर आपसे क्षमा मांगेंगे? इसके बाद सभी लोग रावण की तरफ देखने लगे। कंटक ने जब नागराज से कहा, आपको क्या लगता है स्वयं महाराज रावण आपसे क्षमा मांगेंगे, तब सभी लोग रावण की तरफ देखने लगे। रावण ने कठोर शब्दों में कहा, जब कोई गलती ही नहीं की तो क्षमा भी नहीं। ये सुन सभी लोग लंकेश की जय, महाराज की जय कहने लगे। तब रावण ने सबको शांत करते हुए आगे कहा, और कोई गलती करे तो उसे छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद रावण ने एक बार फिर नागराज से अनुरोध किया, लेकिन बार बार अनुरोध करने के बाद जब नागदेव ने कुंभकर्ण को ले जाने के लिए रावण को मार्ग नहीं दिया तब रावण के धैर्य की सारी सीमाएं टूट गईं। रावण ने कहा, नागदेव आप अकारण ही मुझसे शत्रुता कर रहे हैं। अब रावण ने नागदेव को बलपूर्वक मार्ग से हटाने का फैसला किया। जैसे ही रावण नागदेव की तरफ क्रोधित होकर आगे बढ़ने लगा, नागदेव ने पुनः शेषनाग का स्वरूप धारण कर लिया। रावण ने अपना धनुष उठाया और एक तीर शेषनाग रूपी नागदेव की तरफ चलाया। ये तीर अपनी बनावट में किसी विशालकाय सर्प की तरह दिख रहा था। तीर सीधे शेषनाग रूपी नागदेव की पूंछ में जा धंसा। जैसे ही तीर ने शेषनाग के शरीर को छुआ, कुछ क्षण के लिए नागदेव निढाक पड़ गए, परंतु पूरी उग्रता के साथ शेषनाग रूपी नागदेव ने अपना आकार बड़ा कर लिया और विचित्र ढंग से वे फुंकारने लगे। नागदेव के इस फुंकार को सुनकर तपस्या स्थल पर अचानक असंख्य सर्प जमा होने लगे। देखते ही देखते सांपों की सेना ने लंका की राजकीय सेना और कुंभकर्ण के रथ को चारों तरफ से घेर लिया।
रावण को इस बात का अनुमान नहीं था कि इतने सारे सांप इस तपस्या स्थल के आसपास निवास करते हैं। उसने देखा कि कुछ ही क्षण में जहरीले सांपों की सेना ने ऐसा अभेद्य चक्रव्यूह बना लिया जिससे बाहर निकल पाना लंका की सेना के लिए असंभव प्रतीत हो रहा था। अब रावण के पास एक ही रास्ता बचा था कि वो अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करे। उसने वही किया और वो अचानक उस स्थान से अदृश्य हो गया। ये देखकर शेषनाग ने कहा, लो लंकेश तो भाग गया, रावण आमने सामने का मुकाबला करो। अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करके अगर तुम ये समझते हो कि विषैले सांपों की सेना को तुम पराजित कर दोगे तो ये तुम्हारी भूल है। अभी इसी समय मेरे एक आदेश पर पूरी की पूरी लंका की असुरी सेना लाशों के ढेर में बदल जाएगी। इन सांपों के अंदर इतना विष भरा है कि अगर उसे लंका की मिट्टी में मिला दिया जाए तो लंका का पूरा हरा भरा जंगल वीरान भूमि में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए रावण एक योद्धा की भांति सामने आओ और मुझसे युद्ध करो। अचानक हवाओं में ठहाके की तेज आवाज गूंजने लगी। नागदेव, तुमने मुझे ललकार के भूल कर दी है। अब मैं गुरु शुक्राचार्य का शिष्य ही नहीं रहा, अब मैं अजय हूँ, मैं अमर हूँ। तुम्हारी पूरी की पूरी सर्प सेना के विष ग्रंथि में जितना विष है, अगर वो सारा विष मेरे शरीर में उतार भी दिया जाए तो भी मुझे मार पाना किसी सर्प प्रजाति के बस की बात नहीं है। तुम्हें मेरी शक्ति देखनी है तो ये देखो। अरे देखो देखो, तनिक अपनी पूरी की पूरी सर्प सेना की तरफ तो देखो। तुम्हारी सारी सेना सजीव विषधर नहीं बल्कि पाषाण की मूर्तियां हैं। देखो देखो, जरा ध्यान से देखो नागदेव, क्या ये सारी पत्थर की मूर्तियां तुम्हारी सेना है? नागराज ने देखा कि रावण ने जो अभी अभी कहा वो बिल्कुल सत्य हो गया। लंका की सेना और कुंभकर्ण के रथ को चारों तरफ से घेरे हुए विशाल सर्प सेना अब पाषाण की मूर्तियों में तब्दील हो गई। ये देखकर नागराज के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। नागराज ने कहा, रावण अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करके तुम मेरी सर्प सेना को पाषाण की प्रतिमाओं में परिवर्तित तो कर सकते हो, परंतु मुझ पर तुम्हारी मायावी आसुरी शक्तियों का कोई प्रभाव नहीं होगा। तुम चाहे अदृश्य रहो अथवा मेरे सामने रहो, अब मेरा विष तुम्हें मूर्छित करके रहेगा। शेषनाग रूपी नागदेव ने इतना कहकर कुंभकर्ण के रथ के पीछे वाले विशाल पीपल के वृक्ष को अपने विशाल काय शरीर से जकड़ना आरंभ कर दिया। देखते ही देखते पेड़ के पत्ते मुरझाने लगे और उसकी टहनियां झुकने लगी। अगले ही क्षण उस विशाल पीपल वृक्ष से आवाज आने लगी। नागदेव, तुमने क्या सोचा कि रावण के मायावी रूप को पहचान लेने मात्र से ही तुम विजयी हो जाओगे? अरे तुम सिवाय डसने और जकड़ने के कर ही क्या सकते हो। इतना कहते ही विशाल पीपल वृक्ष से भी विशालकार आकार को ग्रहण करते हुए शेषनाग ने अपने पांचों फनों को छतरी की भांति वृक्ष के ऊपर फैला दिया। उसकी तीव्रतम फुंकार से लंका वन में आंधियां चलने लगी। सभी वृक्षों की टहनियों पर लगे फल धरती पर गिरने लगे। तभी सबने देखा कि विशाल पीपल वृक्ष जिसे नागदेव ने जकड़ रखा था वो भी अपना स्वरूप बदलने लगा और कुछ ही पलों में अब पांच विशालतम फनों के सामने 10 सिर वाला महादैत्याकार दशानन खड़ा था और इनके सामने बाकी सब लोग बहुत छोटे दिखाई दे रहे थे। पीपल के विशाल वृक्ष से परिवर्तित होकर जब रावण का दशानन स्वरूप सामने आया तब एक तीव्र रोशनी प्रस्फुटित हुई। कंटक की आंखें चौंधिया गई। ये पहली बार था जब सबने रावण का ये रूप देखा था। वहां उपस्थित सेनापति मलय, विभीषण, कंटक और लंका की राजकीय सेना के सभी सैनिक रावण का दशानन स्वरूप देखकर हैरान रह गए। सब ऊपर की तरफ देख रहे थे। नागराज ने रावण को जकड़ रखा था लेकिन 10 सर के साथ रावण जैसे जैसे अपना आकार बड़ा कर रहा था नागराज की पकड़ ढीली होती जा रही थी। अब 5 सर वाले नागराज और 10 सर वाले रावण दोनों एक दूसरे को घूरते हुए लगातार अपना आकार बड़ा करते जा रहे थे। सब नजरें गड़ाए इन दोनों को देख रहे थे तभी एक तेज आवाज आकाश से आई, नारायण नारायण।
रुक जाओ रावण और ठहर जाइए नागराज। अगर आज आप दोनों के बीच युद्ध हुआ तो इसका परिणाम देवों के अपमान से अधिक और कुछ नहीं होगा। इतना कहते हुए देवर्षि नारद जंगल में प्रकट हुए। उन्होंने नागदेव से कहा, आपने अपनी शक्ति से लंकेश को सख्ती के साथ जकड़ तो लिया नागदेव, परंतु आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि परमपिता ब्रह्मा जी से प्राप्त वरदान के कारण सर्प प्रजाति द्वारा रावण को मारा नहीं जा सकता है। अगर आपने लंकेश का प्राण हरने का प्रयास किया तो आपके सहस्त्रों प्रयास बेअसर सिद्ध होंगे एवं आपके विष ग्रंथि में संग्रहित संपूर्ण विष अपर्याप्त सिद्ध होगा। इसलिए हे नागराज, कृपया इस वन क्षेत्र को त्याग कर आप नागलोक चले जाएं। यही जगत पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा है नागदेव। कंटक ने धीरे से मलय से कहा, अचानक यहाँ देव ऋषि प्रकट कैसे हो गए? मलय ने कहा, अचानक तो कुछ भी नहीं होता है कंटक, इसके पीछे भी ब्रह्मा जी की कोई इच्छा होगी। नागदेव ने नारद जी से कहा, हे देव ऋषि, इन दैत्य भाइयों ने हमारे नाग धाम को तहस नहस कर दिया है, इसीलिए मैंने रावण का मार्ग अवरुद्ध किया। नारद मुनि ने कहा, सृष्टि के रचयिता परम पिता ब्रह्मा जी आपसे इस बात पर क्रोधित हैं कि ये ज्ञात होते हुए भी कि दशानन को अमरता का वरदान प्राप्त होने के कारण सर्प प्रजाति द्वारा उसका वध नहीं किया जा सकता है, आपने उसके प्राण हरने का प्रयास किया है, इसीलिए दशानन ने ब्रह्मा जी से प्राप्त विशिष्ट मायावी शक्तियों के प्रयोग से आपकी संपूर्ण सर्प सेना को पाषाण की प्रतिमाओं में परिवर्तित कर दिया। आप निहत्ते हो गए हैं नागराज, अपनी सेना के बगैर आपकी शक्ति नगण्य हो गई है। इसलिए मुझे आपको यह संदेश देने का आदेश हुआ है कि आप परमपिता ब्रह्मा जी की उपासना कर अपनी सर्प सेना को वापस बुला सकते हैं, अन्यथा आपको नाथ धाम में एकांतवास में ही रहना पड़ेगा। नारद मुनि की बात को सुनकर नागराज अति क्रोधित हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि ये उनकी पराजय है। ये प्रस्ताव नागराज को अस्वीकार होने के बावजूद ब्रह्मा जी के आदेश के कारण वे तपस्या स्थल को छोड़कर जाने के लिए तैयार हुए। अपने क्रोध को मिटाने के लिए नागराज ने अपनी जकड़न को रावण के शरीर से ढीला किया और क्रोधित होकर अपने फन को धरती पर पटकना शुरू कर दिया। अनेक बार अपने फन को धरती पर पटक कर उन्होंने अपना फन लहूलुहान कर लिया और जाते जाते रावण के दाहिने पैर पर डसते हुए अपने क्रोध का प्रदर्शन किया और वहां से विलुप्त हो गए। नागराज के डस लेने के कारण रावण को हल्का दर्द महसूस हुआ। वो उसी स्थान पर बैठकर अपने दाहिने पैर को देखने लगा। देखते ही देखते जहर के प्रभाव से उसे निद्रा आने लगी और वो उसी स्थान पर मूर्छित हो गया। ये देख सब परेशान हो गए। विभीषण, कंटक, मलय सब तुरंत रावण के पास आए। तब नारद ने कहा, घबराइए मत, रावण को कुछ नहीं हुआ है। विभीषण ने देवर्षि नारद के सामने आकर दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे देव ऋषि, मेरे पितामह की भांति आप भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। आज धरती लोक पर प्रकट होकर आपने लंका की सेना, कुंभकर्ण, भ्राता लंकेश और मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। नारद मुनि ने कहा, नारायण नारायण, हे विश्व श्रवा पुत्र, धर्म भीरु और देवत्व के सदगुणों के स्वामी विभीषण, मैंने किसी पर कोई उपकार नहीं किया है। मैं तो सिर्फ संदेश वाहक हूं। मैं परम पिता का आज्ञा पालक मात्र हूं। इस सृष्टि के निर्माता ने सृष्टि के निर्माण के साथ ही कुछ नियम बनाए थे। उन्हीं नियमों के अनुपालन हेतु संदेश वाहक के रूप में मुझे यदा कदा धरती लोक, स्वर्ग लोक, यम लोक, इंद्रपुरी, कैलाश और पाताल लोक में विचरण करना पड़ता है। आज भी मैंने वही किया है। नारायण नारायण, आप अपने भ्राता लंकेश की तनिक भी चिंता न करें। उन्हें मूर्छित अवस्था में यहीं छोड़कर आप जिस कार्य हेतु वन में पधारे थे उस कार्य को पूर्ण करें, अर्थात कुंभकर्ण को यहां से ले जाएं और सफलतापूर्वक इन्हें स्वर्ण महल में हस्तांतरित करें। महाराज, रावण के शरीर से जब विष का असर कम होगा वे स्वयं लंका पहुंच जाएंगे और उन्हें अभी लंका ले जाना उचित नहीं होगा क्योंकि उन्हें अभी कुछ अधूरे कार्य पूरे करने हैं। कंटक ने आश्चर्य से पूछा, हे देवर्षि, कौन से अधूरे कार्य? नारद ने मुस्कुराते हुए कहा, कंटक, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भविष्य में तुम भी इसके साक्षी बनोगे। नारायण नारायण।
अब मेरा कार्य भी पूर्ण हुआ, मैं भी देवलोक की ओर प्रस्थान करता हूं। इतना कहकर नारद मुनि उस स्थान से विलुप्त हो गए। विभीषण ने सेनापति मलय को आदेश दिया कि भ्राता रावण को वन में छोड़कर सर्वप्रथम कुंभकर्ण को राजमहल में पहुंचाने के कार्य को संपन्न किया जाए। विभीषण की बातों को सुनकर सेनापति मलय से कंटक ने कहा, आप सभी लोग कुंभकर्ण जी को लेकर जंगल से प्रस्थान कीजिए, मैं महाराज लंकेश के पास ही रहूंगा। जब महाराज मूर्छित अवस्था से वापस लौट आएंगे तब मैं उन्हें लेकर राजमहल आ जाऊंगा। सेनापति मलय ने कंटक से कहा, कुछ देर बाद सूर्यास्त हो जाएगा और उस समय इस वन में तुम्हारा अकेले रहना उचित नहीं होगा। नागदेव ने बताया था कि इस स्थान पर धरती का नाग धाम है, इसका अर्थ यह संभव है कि बड़ी संख्या में सर्पों का झुंड इस क्षेत्र में मौजूद हो। रात्रि में तुम्हारा यहाँ रहना सुरक्षित नहीं होगा कंटक, इससे तो बेहतर है कि सूर्योदय के बाद तुम पुनः वन में आ जाओ और संभवतः उस समय तक महाराज को भी होश आ जाए तो उन्हें वापस राजमहल में लाने में तुम उनकी मदद करना। मलय की बात को सुनकर कंटक सबके साथ राजभवन जाने के लिए तैयार हो गया। पूरी शाही सेना 52 पहियों के रथ के पीछे पीछे चलने लगी और मूर्छित अवस्था में लंकेश को वन में छोड़ सभी लोग लंका की ओर प्रस्थान कर गए। विभीषण ने रास्ते में सेनापति मलय से कहा, यह हमारी बहुत बड़ी सफलता है मलय कि हम लोग भ्राता कुंभकर्ण को इस विशेष रथ में स्थानांतरित करके लंका ले जा रहे हैं। मलय ने कहा, यह सब महाराज लंकेश के पराक्रम और अदम्य साहस का परिणाम है कि हम लोग उस शक्तिशाली मायावी नागराज के चंगुल से कुंभकर्ण जी को मुक्त करवाकर उन्हें जंगल से लेकर निकल सके। कंटक इन दोनों के वार्तालाप को ध्यान पूर्वक सुन रहा था। उसे इस बातचीत को सुनकर न जाने क्यों अत्यधिक क्रोध आ रहा था। अगले ही क्षण उसके सब्र का बांध टूट गया और वो ऊंचे स्वर में चिल्लाया, रोको, मैं कहता हूं इस रथ को यहीं और इसी क्षण रोको। कंटक के व्यवहार में अचानक आए इस बदलाव को देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए। उसने कहा, आप बुद्धिमान लोगों को तनिक भी शर्म नहीं आती है क्या? मलय ने कंटक से पूछा, अरे भाई आखिर हुआ क्या है, अचानक रथ को क्यों रुकवा रहे हो? हाँ बताओ। कंटक का क्रोध सातवें आसमान पर था। उसने कहा, मैं कहता हूं सेनापति कि आप अभी इसी क्षण इस रथ को रुकने का आदेश देते हैं या मैं बलपूर्वक इसे रोकूं? विभीषण, मलय, सभी सारथीगण और सैनिक हैरान थे कि आखिर कंटक के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, वो इस विशाल रथ को घने जंगल में रुकवाना क्यों चाहता है। कंटक के बार बार हट करने और क्रोधित होने के बाद सेनापति मलय ने 52 पहिए के रथ को रोकने का आदेश दे दिया। सबको कंटक का यह व्यवहार अजीब लग रहा था। विभीषण ने कंटक से कहा, लो तुम्हारे कहने से अब तो यह रथ रुक गया, अब तो बताओ कि आखिर तुम्हारे मन में है क्या? मलय ने भी यही प्रश्न दोहराया, हां हां बताओ हमें कि तुम करना क्या चाहते हो। कंटक ने कहा, जब से हम लोग इस रथ को लेकर जंगल से राजमहल की तरफ निकले हैं मेरा अंतर्मन बार बार मुझे इस बात के लिए धिक्कार रहा है कि तुम अकेले अपने महाराज लंकेश को मूर्छित अवस्था में जंगल में छोड़कर राजभवन कैसे जा सकते हो। मैं महाराज को वन में छोड़कर स्वयं राजमहल में रहूं यह मुझे मंजूर नहीं है। उन्हें अकेले मूर्छित अवस्था में छोड़कर राजमहल जाने के लिए मेरी अंतरात्मा मुझे अनुमति नहीं दे रही है। मैं अपने आप से आंखें नहीं चुरा सकता, इसीलिए आप लोग मुझे इसी क्षण महाराज लंकेश्वर के पास जाने की आज्ञा दीजिए। कंटक की बात को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों के बीच शांति छा गई। विभीषण ने सेनापति से कहा, मलय कंटक को उसकी अंतरात्मा की आवाज को सुनने दिया जाए, आप उन्हें अनुमति दीजिए कि वो भ्राता रावण के साथ यही वन में रहे। विभीषण की बात को सुनकर सेनापति मलय ने कहा, आपका सुझाव मेरे लिए आज्ञा के समान है, परंतु जंगल से राजभवन की ओर लौटते हुए हमने लगभग आधा मार्ग तय कर लिया है, क्या यहां से वापस तपस्या स्थल के लिए लौटना कंटक के लिए उचित होगा? कंटक ने कहा, हे सेनानायक, सवाल उचित और अनुचित का नहीं है, सवाल मेरे कर्तव्य का है। जब मेरा अंतर मन मुझे इस बात की अनुमति नहीं दे रहा कि मैं महाराज को वन में छोड़कर राजभवन में रहूं, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मुझे मेरे अंतर्मन की आवाज को सुनने का अवसर दिया जाए।
और मुझे अनुमति दी जाए कि मैं इस घनघोर जंगल में वापस अपने महाराज लंकेश के पास लौट जाऊं। सेनापति मलय ने कहा, ठीक है कंटक, अगर तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने के लिए ही संकल्परत हो तो मैं भी तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम कारवां को यहीं छोड़कर तपस्या स्थल की ओर प्रस्थान कर सकते हो। अनुमति मिलने के बाद कंटक ने मलय और विभीषण को प्रणाम किया और एक घोड़े पर बैठकर वापस रावण की ओर तपस्या स्थल जाने के लिए प्रस्थान कर गया। उधर लंका राजभवन में ग्रीवा को यह सूचना प्राप्त हो गई थी कि शाही सेना 52 पहियों के विशालकाय रथ में कुंभकर्ण को लेकर जंगल स्थित तपस्या स्थल से राजभवन की ओर रवाना हो गई है। ग्रीवा ने स्वयं से कहा, मुझसे कई बार माता कैकसी ने कुंभकर्ण के बारे में पूछा है। अब जब उनके राजमहल के लिए प्रस्थान करने की पुख्ता सूचना प्राप्त हो गई है तो मुझे राजमाता को यह शुभ समाचार दे देना चाहिए। ग्रीवा ने कुटिया में जाकर जब यह शुभ समाचार कैकसी को सुनाया तो वो अति प्रसन्न हो गई। उन्होंने जिज्ञासावश ग्रीवा से पूछा, क्या शाही सेना के साथ रावण भी राजमहल की ओर लौट रहा है? न जाने क्यों मेरा मन रावण को लेकर बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा रावण किसी मुसीबत में है। ग्रीवा ने उत्तर दिया, हे राजमाता, महाराज रावण और मुसीबत में? ये तो असंभव है। ऐसी कोई भी शक्ति लंका के जंगल में मौजूद नहीं हो सकती है जो रावण को मुसीबत में डाल दे। महाराज लंकेश के कारवां में शामिल होने के संबंध में अभी तक तो कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, परंतु आप निश्चिंत रहें राजमाता, वे जहां भी होंगे सकुशल होंगे। वैसे मैं अपने मायावी गुप्तचरों के संपर्क में हूं। अनेक गुप्तचर आसमान में पक्षी बनकर विचरण कर रहे हैं। कुछ ही क्षणों में मुझे महाराज रावण के संबंध में भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अभी ग्रीवा अपनी बात पूरी कर ही रहा था कि आसमान में एक चील के बोलने की आवाज सुनाई देने लगी और देखते ही देखते एक चील राजभवन के उद्यान में उतरा। उतरते ही उस चील ने अपना रूप बदलकर गुप्तचर अभ्यासुर का रूप धारण कर लिया। ग्रीवा ने पूछा, क्या बात है अभ्यासुर, कोई विशेष समाचार लाए हो क्या? अभ्यासुर ने कहा, जी विशेष भी है और गोपनीय भी। मैं चाहता हूं ग्रीवा जी, आप मेरे साथ बाहर चलिए ताकि मैं ये गोपनीय जानकारी आपको दे सकूं। ग्रीवा ने कहा, हाँ हाँ चलो। इतना कहकर ग्रीवा उद्यान से बाहर आ गया। इसी बीच दूसरी तरफ से दैत्यराज सुमाली भी आ रहे थे। वे भी ग्रीवा और अभ्यासुर के साथ खड़े हो गए। ग्रीवा ने कहा, बोलो क्या गोपनीय समाचार लाए हो? अभ्यासुर ने ग्रीवा और दैत्यराज सुमाली को बताया, ये समाचार गोपनीय कम और चिंताजनक अधिक है। मैंने आपको कुटिया से इसीलिए बाहर आने के लिए कहा क्योंकि अगर ये बात राजमाता सुन लेती तो बेवजह ही वो बहुत चिंता करती। सुमाली ने हैरान होकर कहा, ऐसी क्या बात है अभ्यासुर? रावण और लंका की शाही असुरी सेना, विभीषण, कंटक आदि, ये सब ठीक तो है ना? अभ्यासुर ने कहा, कुंभकर्ण जी को जगाने के दौरान जंगल स्थित तपस्या स्थल में दानवों और सर्पों के बीच युद्ध हुआ था महाराज। इस युद्ध में खुद नागदेव और महाराज लंकेश्वर आमने सामने आकर लड़े थे। नागराज ने लंकेश को अपने दंश से मूर्छित कर दिया है। परंतु चिंता की कोई बात नहीं है। शाही सेना देवर्षि नारद जी के परामर्श के बाद कुंभकर्ण को लेकर राजभवन की ओर बढ़ रही है। महाराज लंकेश को ले जाने के लिए सूर्योदय के पश्चात सेना की एक दूसरी टुकड़ी जंगल में जाएगी। अभ्यासुर की बात को सुनकर सुमाली ने बौखलाहट के साथ कहा, क्या रावण बेहोश हो गया? इतने वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की, तब तो बेहोश नहीं हुआ? तपस्या करते हुए अपने 9 शीशों की आहुति दी, तब तो बेहोश नहीं हुआ? जंगल में ऐसा क्या हुआ है नागराज का इतना दुस्साहस कि महाबलशाली पराक्रमी लंकाधिपति रावण को मूर्छित कर दे? लगता है उसका कठिन समय आरंभ हो गया है। हाँ, इसकी भयानक सजा भुगतने के लिए नागराज को तैयार रहना होगा। परंतु ये नारद मुनि जंगल में क्यों पधारे थे? अभ्यासुर ने सुमाली के प्रश्न के उत्तर में कहा, नागराज को यह बताने के लिए कि रावण को पराजित कर पाना सर्प प्रजाति के किसी भी विषैले सांप के लिए संभव नहीं है। रावण ब्रह्मा जी के वरदान के कारण अजेय है, इसलिए देव ऋषि नारद ने नागदेव से कहा कि वे इस युद्ध और अपने हट को छोड़कर वापस नागलोक चले जाएं। सुमाली ने कहा,
नागदेव अगर ये जान पाते कि रावण उनकी क्या दुर्दशा बना सकता है तो वे कभी भी युद्ध के बारे में नहीं सोचते। हाँ अच्छा, हाँ, चलो अगर भविष्य में उन्होंने कभी इस दुस्साहस को दोहराया तो उनका अंत निश्चित है। ग्रीवा ने सुमाली से कहा, दैत्यराज, सेनापति मलय उसी रथ के साथ आ रहे होंगे। उनके आने से पहले ही मैं एक विशेष सैन्य दल को तैयार कर देता हूं, जो सुबह सुबह महाराज लंकेश को वापस लंका लाने के लिए रवाना होगा। आप जाकर विश्राम कर लें। सुमाली ने कहा, अब तो मैं तभी विश्राम करूंगा जब कुंभकर्ण और रावण दोनों सकुशल राजमहल वापस आ जाएंगे। तुम जाओ ग्रीवा, अपनी तैयारी करो। हाँ, मैं कैकसी के पास कुटिया में जा रहा हूं। उधर जंगल में धनुष से निकले तीर की रफ्तार से कंटक तेजी से तपस्या स्थल की ओर बढ़ा जा रहा था। वो अपने महाराज को मूर्छित अवस्था में जंगल में छोड़कर किसी भी स्थिति में राजमहल वापस नहीं लौटना चाहता था। वो अपने घोड़े को दौड़ाते हुए आगे बढ़ रहा था तो कंटक ने देखा कि दूर जंगल की पगडंडियों पर रास्ते में बीचों बीच खड़े किसी इंसान के समान उसे कोई आकृति दिखाई दे रही थी। यहां से वो आकृति धुंधली धुंधली सी दिखाई दे रही थी। घोड़े को दौड़ाते हुए कंटक ने स्वयं से संवाद करना आरंभ कर दिया, कौन हो सकता है इस सुनसान घने जंगल में और वो रास्ते के बीचों बीच क्यों खड़ा है। उस मानवाकृति से थोड़ी दूर पर पहुंचकर कंटक अपने घोड़े को रोककर उस आकृति को ध्यानपूर्वक देखने लगा। घोड़े के नाल से निकलने वाली अश्वटाप की ध्वनि के थमने के बाद उस स्थल पर बिल्कुल सन्नाटा था। तभी अचानक उस मानवाकृति ने अपना हाथ उठाकर कंटक से कहा, वहां क्यों रुक गए कंटक, आओ मेरे समीप आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कंटक ने इस आवाज को सुनकर अपने तलवार की मूठ पर हाथ रखा और घोड़े को धीमे कदमों से उस मानवाकृति की तरफ बढ़ने का इशारा किया। जैसे जैसे कंटक उस आकृति के निकट पहुंच रहा था उसकी छवि स्पष्ट होती जा रही थी। अगले ही क्षण कंटक ने ऊंचे स्वर में कहा, अरे देवऋषि आप, उस मानवाकृति से आवाज आई, हां कंटक, मैं नारद ही हूं, मैं अभी देवलोक लौटा नहीं हूं, मैं अभी यहीं रावण के आसपास घूम घूम कर उस पर नजर लगाए रखा हूं, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं कंटक। कंटक ने कहा, जी देव ऋषि, कहिए कहिए, मेरे लिए क्या आदेश है। नारद मुनि ने कहा, नारायण नारायण, अरे मैं कौन हूं आदेश देने वाला, मैं तो बस मात्र एक संदेश वाहक ही हूं। अब ध्यान पूर्वक सुनो कंटक, एक अति महत्वपूर्ण सूचना यह है कि नागदेव इतनी आसानी से शांत बैठने वाले नहीं हैं। वो तो यहां स्वयं मैं था जिसकी बात को वे अनसुना नहीं कर पाए, परंतु प्रतिशोध की अग्नि में वे हर पल धधक रहे हैं। जब भी उन्हें अवसर मिलेगा वे रावण के ऊपर हमला जरूर करेंगे। तुम लंकेश के सबसे प्रिय सहयोगी हो, इसीलिए मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूं, अपने आंख कान हमेशा खुले रखना। कंटक ने नारद मुनि की बात को सुनकर कहा, मैं आपका आभारी हूं देवऋषि, आज से मैं यह संकल्प लेता हूं कि चाहे लंकेश चाहे या ना चाहे, परंतु मैं सदैव उनके आसपास साये की तरह रहूंगा। आज से ही मैं इस नागदेव पर नजर रखता हूं, अगर उन्होंने कोई एक भी कदम प्रतिशोध की दिशा में उठाया तो वो उनके विनाश की तरफ ही उठा हुआ कदम होगा। नारद मुनि ने कहा, अब ठीक है, मेरे मन का बोझ उतर गया है। देवलोक के नारद ने अब ये जिम्मेवारी धरती लोक के नारद के हवाले कर दी है, अब मैं देवलोक की ओर प्रस्थान करता हूं। कंटक ने नारद जी को प्रणाम किया और उसने अपने घोड़े को तपस्या स्थल की ओर दौड़ा दिया। कुछ ही देर में वो तपस्या स्थल के समीप पहुंच चुका था। वहां पहुंचकर कंटक ने देखा कि सहस्त्रों सर्पों की पाषाण प्रतिमा पूर्व की भांति अपने स्थान पर पड़ी है। जिन सांपों को रावण ने पत्थर की प्रतिमा में तब्दील कर दिया था वो पत्थर की कैद से अभी मुक्त ना हो पाए थे। कंटक की नजर उस विशाल पीपल के वृक्ष की तरफ गई जहां मूर्छित अवस्था में रावण सो रहा था। कंटक ने जो देखा उसे देखकर वो आश्चर्य में पड़ गया, उसे अपनी आंखों पर तनिक भी यकीन नहीं हो रहा था।
उस पांव में सर्प दंश का निशान स्पष्ट दिखाई दे रहा था। परंतु जो देखकर उसके होश उड़ गए थे वो ये था कि सर्प दंश के उस निशान पर अपना मुख लगाकर एक अत्यंत रूपवती कन्या रावण के शरीर से विष को चूस चूस कर बाहर निकाल रही थी। कंटक आश्चर्य कर रहा था कि यह विलक्षण रूपवती कन्या कौन हो सकती है जो इस घनघोर वन में महाराज को मूर्छित अवस्था से वापस लाने के लिए उनके शरीर से नागराज के विष को बाहर निकाल रही है। उसने देखा कि उस सुंदरी ने काफी मात्रा में विषयुक्त रक्त को लंकेश के शरीर से बाहर निकालकर समीप रखे एक मिट्टी के पात्र में इकट्ठा किया था। कंटक रावण के नजदीक गया और उस कन्या से बोला, आप कौन है देवी? और आप? इससे पहले कि कंटक कुछ कहता, उस रूपवती ने कंटक की तरफ देखा और घबराहट में वहां से भाग खड़ी हुई। वो कंटक को देखकर घबरा गई थी। भागते हुए उसका आंचल समीप के ही एक वृक्ष की टहनी में फंस गया। जैसे ही कन्या ने वृक्ष से अपने आंचल को छुड़ाने का प्रयास किया कि उसके आंचल का एक कोना फटकर उस वृक्ष में ही टंगा रह गया और वो कन्या भागकर घने जंगल में विलुप्त हो गई। कंटक वृक्ष के नीचे खड़े होकर सोचने लगा, कौन थी ये विलक्षण रूपवती और मुझे देखते ही वो क्यों भाग गई? क्या महाराज लंकेश इसको जानते हैं? कंटक भी उस रूपवती कन्या के पीछे भागा और उसने देखा कि पलक झपकते ही वो बड़ी तेजी के साथ उसकी नजरों से ओझल हो गई। कंटक उस वृक्ष के समीप गया जहां कन्या के आंचल का एक टुकड़ा फंसकर फट गया था। उसने वृक्ष पर टंगे उस वस्त्र के टुकड़े को उतारा और रावण के पास चला आया। उसने देखा कि रावण के पांव से अत्यधिक मात्रा में विषयुक्त रक्त को निकालकर कन्या ने समीप ही एक मिट्टी के पात्र में एकत्रित किया था। उसने बार बार उस सर्पदंश के निशान को देखा और सोचने लगा कि इतनी अधिक मात्रा में ये सारा रक्त क्या महाराज लंकेश के इसी पांव से निकाला गया है? ये सोचते हुए कंटक खुद से कहने लगा, जय लंकेश, जय जय लंकेश। मैं तो हमेशा कहता था कि जब भी हो कोई संकट काम आएगा कंटक, परंतु आज तो मैं कारमा के पीछे पीछे अपने महाराज को वन में अकेला छोड़कर चला गया था। आज मैं लंकेश्वर के काम ना आ सका, परंतु वो अज्ञात कन्या जिसे मैं पहचानता भी नहीं, उसने महाराज के शरीर से सारा विषयुक्त रक्त चूस चूस कर बाहर निकाल दिया है। हे ईश्वर, वो जो भी हो, जहां से भी आई हो, उसे लंबी आयु देना। न सिर्फ मैं बल्कि लंका की पूरी प्रजा उस कन्या की सदैव ऋणी रहेगी। अभी कंटक स्वयं से संवाद कर ही रहा था कि उसने देखा कि रावण के पैर की उंगलियों में कुछ हरकत शुरू हो गई थी। ये देख कंटक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कंटक समझ गया था कि अब महाराज लंकेश्वर होश में आ रहे थे। वो अपने घोड़े पर बंधे जल के पात्र को उतार लाया और जल की कुछ बूंदों का छिड़काव रावण के चेहरे पर किया। जल की बूंदों के स्पर्श से रावण ने अपनी आंखें खोल दी। रावण ने देखा कि गोधूली बेला का आंशिक अंधकार आकाश में छाने लगा था, यानी शाम हो रही थी और तपस्या स्थल पर चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। पक्षी वृक्षों की ओर लौट रहे थे। रावण ने कंटक से पूछा, क्या मुझे निद्रा आ गई थी कंटक? कहां गया वो दुष्ट नागदेव? कंटक ने कहा, महाराज नागदेव यहां से प्रस्थान कर चुके हैं। हमारी सेना भी अब कुंभकर्ण जी के रथ को लेकर लंका पहुंचने वाली होगी। अभी इस वन में मैं और आप अकेले ही हैं लंकेश। रावण अपने स्थान पर उठकर बैठ गया और उसने कहा, पिछले अनेक वर्षों तक मैं इसी स्थान पर तपस्या करता रहा। मुझे तनिक भी ज्ञात नहीं था कि ये स्थान नाग धाम है। निसंदेह सहस्त्रों सर्पों ने हमें देखा होगा, परंतु तपस्या करते हुए किसी ने हमें परेशान नहीं किया। ये नागदेव की हठधर्मिता है जो आज उसने मेरा रास्ता रोकने का दुस्साहस किया। चाहे वे इस क्षेत्र से अपने नागलोक के लिए प्रस्थान ही क्यों ना कर गए हों, परंतु नागदेव को उनके कुकर्मों की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्हें प्रतीक्षा करनी चाहिए, उनकी मृत्यु ने उनका पता ढूंढ लिया है। जैसे ही रावण ने अपनी बात खत्म की, कंटक ने व्यंगपूर्ण लहजे में कहा, जय हो, जय लंकेश, जय जय लंकेश।
अरे महाराज, इतनी बड़ी बड़ी बातें तो ठीक हैं, लेकिन पहले ये तो बताइए कि हम सबको लंका भेजकर आपने अपने शरीर से विष को निकालने के लिए किस कन्या को नियुक्त कर लिया था? अरे हम भी जाने कि आखिर कौन थी वो सुंदर कन्या जो आपके साथ यहाँ वन में। कन्या? कंटक की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि रावण ने कहा, किस कन्या की बात कर रहे हो तुम कंटक? मुझे तो कुछ याद नहीं, कहीं तुम मुझसे कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो? साफ साफ बताओ कि आखिर क्या बात है, मैं कुछ याद क्यों नहीं कर पा रहा हूं? कंटक ने कहा, हाँ याद कैसे आएगा महाराज, आप तो निद्रा का आनंद जो ले रहे थे, और इसी दुर्भाग्य के कारण आपके शरीर से नाग देव को विष चूस चूस कर निकालने वाली उस रूपवती कन्या को आपने देखा ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं महाराज कि आप निद्रा का अभिनय करके उस रूपवती के सानिध्य का आनंद ले रहे थे? क्या कहते हो कंटक, किसी कन्या ने मेरे शरीर से विष को निकाला? अविश्वसनीय, ये सत्य नहीं हो सकता, मैंने तो ऐसा कुछ अनुभव ही नहीं किया। अगर कोई कन्या यहां थी तो अब वो कहां गई? कंटक ने कहा, अरे महाराज अगर आप जानते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं लंका नगरी में जाकर किसी को कहां कुछ बता रहा हूं। वैसे एक बात कहना चाहता हूं महाराज, इस धरा पर उस जैसी सुंदर कन्या मिलना मुश्किल है। इतनी ओजस्वी और रूपवती थी महाराज कि कुछ क्षण के लिए तो मुझे अपनी आंखों पर वास्तव में विश्वास नहीं हुआ कि मेरे सामने जो घटित हो रहा है वो सत्य है या स्वप्न, और मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वो चली गई। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता महाराज, ये पूरी तरह अविश्वसनीय है कि आप किसी कन्या को पहचानते भी नहीं और वो कन्या आपके शरीर से विष को चूस चूस कर बाहर निकाल रही हो। अगर आप चाहें तो मुझे सत्य बता सकते हैं, मैं आपका विश्वास पात्र जो ठहरा, मैं ये बातें गोपनीय ही रखूंगा। क्यों महाराज, किस सोच में डूब गए? रावण ने कंटक की तरफ देखा और कहा, तुम मुझसे हंसी खेल कर रहे हो ना कंटक, मैंने कहा ना मैं ऐसी किसी भी कन्या को नहीं जानता, बल्कि मुझे तो ये लग रहा है कि तुम आज परिहास करने की मनस्थिति में हो, इसीलिए तुम मुझसे मिथ्या बातें कर रहे हो। जो सत्य हो ही नहीं सकता उसे मैं कैसे स्वीकार लूं? बोलो तुम झूठ बोल रहे हो ना कंटक है? कंटक ने मुस्कुराते हुए व्यंगपूर्ण लहजे में कहा, जय लंकेश जय जय लंकेश। अरे महाराज मेरा इतना दुस्साहस कि मैं आपसे झूठ बोलूं? मैं तो झूठ बोल भी सकता हूं, परंतु वस्त्र का ये टुकड़ा तो झूठ नहीं बोलेगा ना महाराज। ये देखिए लंकेश, इस आंचल के टुकड़े को तो पहचानते होंगे ना आप, अब बता भी दीजिए कि ये किसके आंचल का टुकड़ा है। रावण बहुत ध्यान पूर्वक उस आंचल के टुकड़े को देखने लगा। कंटक ने कहा, अब तो अपने मन के रहस्य को मेरे समक्ष भी खोल दीजिए महाराज। रावण ने खड़े होने का प्रयास किया, परंतु उसने महसूस किया कि उसे उठने के लिए सहारे की आवश्यकता है। उसने कंटक से इशारे में उसका हाथ पकड़कर सहारा देने के लिए कहा। उठते हुए रावण मुस्कुरा रहा था, उसने कहा, रुक जा कंटक, मैं एक बार उठकर खड़ा हो जाऊं फिर देता हूं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर। कंटक ने रावण को सहारा दिया और उसे उठाकर जमीन पर खड़ा कर दिया। खड़ा होने के पश्चात रावण ने कंटक के हाथ से कपड़े का वो टुकड़ा लिया और बहुत देर तक उस आंचल को देखता रहा। फिर उसने धीरे से पूछा, क्या ये सत्य है कंटक कि किसी कन्या ने मेरे शरीर से विष को अपने मुख से खींचकर बाहर निकाला था? कंटक ने कहा, हां महाराज, ये मिट्टी का पात्र देखिए, आपके शरीर से चूस चूस कर निकाला गया सारा विषयुक्त रक्त इसी पात्र में एकत्रित किया है। रावण ने देखा कि जिस स्थान पर वो मूर्छित पड़ा था वहीं मिट्टी का एक पात्र उसके रक्त से भरा हुआ रखा था। अब रावण को कंटक की बातों पर विश्वास होने लगा था। रावण ने फटे हुए आंचल के उस टुकड़े को फिर से देखा और कहा, मुझे लगता है कि तुम सत्य कह रहे हो कंटक, ये रक्त से भरा हुआ मिट्टी का पात्र और किसी स्त्री के वस्त्र का फटा हुआ टुकड़ा इस बात के प्रमाण है कि यहां कोई स्त्री जरूर मौजूद थी। कंटक ने कहा, अरे महाराज पहेलियां मत बुझाइए, ये प्रमाण प्रमाण की आप क्या बातें कर रहे हैं, अरे आपको सब पता है हा? बस एक बार सत्य कह दीजिए महाराज कि कौन थी वो विलक्षण रूपवती कन्या
कहिए महाराज। कंटक के प्रयास को सुन रावण आगे बढ़ता है और कंटक के कान पकड़कर कहता है, शैतान कहीं के मुझसे परिहास कर रहा है। तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हें दंड दे सकता हूं। अरे अगर मुझे ही पता होता कि वो कन्या कौन थी तो मैं उसका आभार व्यक्त न करता। और अगर वो अपरिचित नहीं होती तो तुम्हारे आते ही वो यहाँ से भाग क्यों जाती? अवश्य ही वो कोई अपरिचित वनवासी होगी जिसने मुझे मूर्छित अवस्था में देखकर मानवतावश मेरे प्राण बचाने का प्रयास किया हो। कंटक ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, जो भी हो महाराज, वही अति सुंदर कन्या अगर आपसे कहीं मिले तो ये उसके आंचल का आधा टुकड़ा उसे दिखाकर उसका आभार अवश्य व्यक्त कर दीजिएगा। रावण ने कहा, अब चुप भी रहो कंटक, मुझे क्या करना है ये तुम मुझे सिखा रहे हो। मैं अब स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, परंतु यहाँ से लंका तक जाने के लिए हमारे पास कोई वाहन अवश्य होना चाहिए। तुम किसी तरह राजमहल से एक रथ मंगवा लो। कंटक ने कहा, महाराज अगर मैं अति तीव्र स्वर में चिल्ला भी दूं तो मेरी आवाज राजमहल तक नहीं पहुंच पाएगी, परंतु अगर आपने बस एक बार दहाड़ लगाई तो आपकी आवाज स्वर्ण महल तक अवश्य पहुंच सकती है। महाराज रावण ने कहा, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कंटक, इस वन में अनेक ऐसे प्राणी हैं जो मेरे मित्र हैं, किसी को भी संदेशवाहक बनाकर मैं राजमहल तक भेज सकता हूँ। रावण ने इतना कहा ही था कि उसने देखा कि आसमान पर कुछ चील मंडरा रहे हैं। आकाश की तरफ देखते हुए रावण उन चीलों को गौर से देखने लगा। उसने कंटक से कहा, हाँ ये देखो, ये आसमान पर मंडराते हुए चीलों को देख रहे हो ना, ये कोई साधारण चील नहीं है कंटक, ये सब हमारे मायावी गुप्तचर हैं। मैं इन्हें अभी संकेत भेजता हूं। रावण ने कुछ क्षण के लिए आकाश की तरफ देखा। उड़ते हुए चीलों में से एक चील यथाशीघ्र जमीन पर उतर आया। जमीन पर उतरते ही उस चील ने मानव का रूप धारण कर लिया और कहा, महाराज लंकेश्वर की जय हो। ये देखकर अति प्रसन्नता हो रही है महाराज कि आप मूर्छित अवस्था से वापस लौट आए हैं। मेरा नाम अन्वेषी है महाराज, मैं लंका महल पर हमले के दौरान असुरी सेना के साथ साथ उड़ने वाला मुख्य गुप्तचर था। कहिए दशानन, मेरे लिए आपका क्या आदेश है? रावण ने अन्वेषी से कहा, रात्रि पहर मैं वन में विश्राम नहीं करना चाहता, इसलिए यथाशीघ्र तुम लंका राजमहल में जाओ और सेनापति मलय को मेरी यह सूचना दो कि यथाशीघ्र एक रथ जंगल के लिए प्रस्थान किया जाए। अन्वेषी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, जो आज्ञा महाराज, मैं यथाशीघ्र राजमहल जाता हूं और आपके लिए एक रथ लेकर आता हूं। जब अन्वेषी चील का रूप धारण करके उड़ते हुए प्रस्थान कर गया तब कंटक ने कहा, महाराज अगर आज आपके पास भी कुबेर की भांति असाधारण शक्तियों वाला पुष्पक विमान होता तो आप अपनी इच्छा अनुसार यहां से हवा में विचरण करते हुए राजमहल पहुंच गए होते। रावण ने कहा, कंटक इतना आतुर होने की आवश्यकता नहीं है, नियति ने हमारी भाग्य रेखा में जो लिखा है होगा तो वही। उधर एक भी क्षण गवाए बिना अन्वेषी उड़ता हुआ राजमहल पहुंचा। उसने देखा कि 52 पहियों वाला रथ लेकर शाही सेना स्वर्ण महल के मुख्य द्वार पर पहुंच चुकी है। अन्वेषी ने सेनापति मले को सूचित किया कि महाराज लंकेश होश में आ गए हैं तथा उन्हें यथाशीघ्र एक रथ की आवश्यकता है। मलय ने यथाशीघ्र एक रथ और एक सारथी के साथ अंग रक्षकों की सैन्य टुकड़ी को तपस्या स्थल के लिए रवाना कर दिया। अन्वेषी रथ के साथ साथ चील वेश में हवा में उड़ता हुआ जा रहा था। राजमहल में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि महाराज लंकेश को तपस्या स्थल में होश आ गया है। शूर्पनखा आज सुबह से ही राजमहल के मुख्य द्वार की तरफ देखकर अपने भाइयों के लौटने की राह देख रही थी। राजमाता कैकसी ने जब यह सुना तब उनकी प्रसन्नता का ठिकाना ही ना रहा। उनके लिए तो आज दो दो प्रसन्नता से भरे समाचार एक साथ आए थे। वे भागती हुई राजमहल के मुख्य द्वार पर आकर पुत्र कुंभकर्ण के स्वागत में खड़ी हो गईं। कुंभकर्ण का विशाल काय रथ देखकर कैकसी आश्चर्यचकित रह गई। उसने मुस्कुराते हुए पिता सुमाली से कहा, पिताश्री कुंभकर्ण के लिए इतना बड़ा रथ, संभवतः इतिहास में पहली बार ही इतना विशाल काय रथ बनाया गया हो जिसमें इतने पहिए लगे हों। सुमाली ने कहा, हां कैकसी, ये लंका के कुशल कारीगरों द्वारा किया गया चमत्कार ही है। हाँ। मुख्य द्वार पर कैकसी ने रथ के ऊपर चढ़कर निद्रा में लीन कुंभकर्ण के माथे पर तिलक लगाया और अपने पुत्र का अभिवादन किया। सुमाली ने निर्देश दिया कि कुंभकर्ण के रथ को उस विशेष शयन कक्ष तक ले जाया जाए जहां कुंभकर्ण को निद्रा की अवस्था में ही स्थानांतरित करना था।
कुंभकर्ण के शयन कक्ष में जरूरत की सभी वस्तुओं का प्रबंध बहन शूर्पणखा ने किया था। उधर जंगल में तपस्या स्थल पर रावण और कंटक व्रत के पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी ढेर सारे चीलों की आवाज रावण ने सुनी। जब उसने सिर उठाकर देखा तो आसमान में चीलों का एक झुंड मंडरा रहा था। अचानक उनमें से एक चील तीव्र गति से धरती पर खड़े रावण की ओर उड़ता हुआ आने लगा। कंटक ने कहा, महाराज ये तो कोई मायावी चील लगता है, कौन हो सकता है ये? कंटक ने देखा कि आसमान से तीव्र गति से नीचे आने वाला चील कोई और नहीं बल्कि लंका राज्य का होनहार गुप्तचर अन्वेषी ही था। वो धनुष से किसी तीव्र गति से निकलने वाले तीर की तरह चील रूप में तपस्या स्थल पर उपस्थित हुआ था। उसने अपना वास्तविक रूप धारण करने के उपरांत रावण से कहा, महाराज लंकेश्वर की जय हो, आपके आदेशानुसार आपके लिए कुछ ही क्षणों में यहां रथ उपस्थित होने जा रहा है महाराज। रावण का ध्यान कहीं और लग चुका था, वो मौन गहरे मनन की अवस्था में पहुंच गया था। उसने विष निकालने वाली कन्या के आंचल के टुकड़े को अपने हाथ में पकड़ रखा था और मन ही मन संवाद कर रहा था, हे देवी, आज आपने मेरे लिए जो कुछ किया है उसके लिए मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। मेरे जीवन में दो स्त्रियां, मेरी माता और बहन शूर्पणखा के लिए विशिष्ट स्थान है, उनके लिए सदैव मेरे मन में सम्मान का भाव रहा है, परंतु आज आपने जो मेरे लिए किया वो जानने के बाद मेरे मन में एक तीसरी स्त्री के रूप में आपने जगह बना ली है। आपके लिए भी मेरा मन स्नेह और सम्मान से भर गया है। आपसे मेरा कोई परिचय तो नहीं, परंतु मैं इतना अवश्य जान पाया हूं कि मेरी भाग्य रेखा में अवश्य ही आपका कोई स्थान रहा होगा। तभी इस विकट परिस्थिति में जब मेरे आसपास कोई नहीं था तब आप यहां उपस्थित होकर मेरे प्राणों की रक्षा कर रही थी। रावण जो स्वयं से मौन संवाद कर रहा था अचानक उसका ध्यान अन्वेषी की आवाज से भंग हुआ और उसने गुप्तचर से कहा, ठीक है, ये जानकर अति प्रसन्नता हुई कि तुमने एक भी क्षण गवाए बिना लंका राजभवन में जाकर मेरे और कंटक के लिए रथ की व्यवस्था की। अभी रावण और अन्वेषी वार्तालाप कर रहे थे कि शाही सेना के प्रशिक्षित अंग रक्षकों की टुकड़ी के साथ रथ तपस्या स्थल पर आ पहुंचा। रावण और कंटक रथ पर सवार होकर राजमहल की ओर प्रस्थान कर गए। रात्रि का पहर आरंभ हो चुका था, जंगल में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। रथ के पहिए के घूमने और अंग रक्षकों के घोड़ों की टाक की आवाज जंगल के सन्नाटे में गूंज रही थी। रावण राजमहल की ओर अग्रसर था कि तभी अचानक उसने किसी स्त्री के चीखने की आवाज सुनी। हैरान होकर रावण ने कंटक से पूछा, तुमने कुछ सुना? कंटक ने कहा, जी महाराज, किसी स्त्री की बचाओ बचाओ की आवाज मेरे कानों में पड़ी। रावण ने रथ को रोकने का आदेश दिया और रथ से उतरकर स्वयं अंधेरे जंगल के रास्तों पर स्त्री की आवाज का पीछा करते हुए जाने लगा। रावण गंभीर सोच में पड़ गया कि आखिर किसकी थी यह आवाज। इस आवाज का पीछा करते हुए रावण जंगल में और अंदर जाने लगा। अपने रथ से रावण उतर चुका था, उसका लक्ष्य अब सिर्फ वो पुकार थी जो घनघोर जंगल के अंधेरों से निकलकर उसके कानों तक आ रही थी। बचाओ बचाओ, बार बार किसी की सिसकियों से भरी यह आवाज रावण के कानों से टकरा रही थी। जैसे जैसे रावण तेज कदमों से जंगल के अंदर प्रवेश कर रहा था यह आवाज तीव्र होती जा रही थी। इधर कंटक ने सोचा कि इस अंधेरे जंगल में महाराज रावण जिसका सामना करने जा रहे हैं पता नहीं वो किस प्रकार का खतरा हो, इसीलिए वो अंग रक्षकों को लेकर रावण के पीछे पीछे जंगल में दाखिल हो गया। रावण के कदम तेजी से उस आवाज का पीछा करते हुए पड़ रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद रावण घने जंगल के बीच एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जो देखने में हरे भरे घास का एक मैदान लग रहा था। एक छोटा सा खुला मैदान जहां कोई वृक्ष नहीं थे, सिर्फ हरी हरी घास उगी थी। मैदान के बीचों बीच एक विशाल चट्टान था जिसके ऊपर उसे कुछ आकृतियां नजर आ रही थी। रावण तेजी से उस विशाल चट्टान की तरफ बढ़ने लगा। कंटक अब तक अंगरक्षकों के साथ रावण का पीछा करता हुआ जंगल के बीचों बीच बने मैदान के नजदीक पहुंच गया था। उसने ये सोचा कि कहीं रावण उसे और अंगरक्षकों को देखकर क्रोधित ना हो जाए,
इसलिए उसने सभी अंग रक्षकों को वृक्षों के पीछे छिपने का आदेश दिया। उसने कहा, तुम सब एक वृक्ष के पीछे ऐसे छुप जाओ जिससे कि महाराज को कोई नजर ना आए। अगर हमने ये देखा कि महाराज लंकेश्वर किसी मुसीबत में पड़ने जा रहे हैं, तब हम सब अपने आप को सामने लाकर दुश्मन के ऊपर हमला बोल देंगे। ऐसा कहने के बाद वो भी एक विशाल वृक्ष की ओट में छिपकर रावण को देखने लगा। कंटक ने देखा कि रावण बहुत तेजी से मैदान के मध्य में रखे विशाल चट्टान की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही रावण विशाल चट्टान के समीप पहुंचा, उसने देखा कि एक सुंदर सी कन्या को एक विशालकाय राक्षस ने दबोच रखा है। वो राक्षस उस कन्या के साथ जबरन छेड़छाड़ कर रहा था। कन्या उस दैत्य की पकड़ से मुक्त होने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही थी, परंतु विशालकाय राक्षस ने उस कन्या को अपनी पूरी शक्ति के साथ जकड़ रखा था। उस दैत्य ने सुंदर कन्या से कहा, अरे ओ कोमल काया, यहां इस घनघोर जंगल में ना तो तुम्हारी चीखें किसी को सुनाई देंगी और ना ही तुम्हें बचाने कोई यहां आएगा। मैं जो कहता हूं चुपचाप मेरी बात मान लो और मेरी बाहों में आ जाओ, अन्यथा आज की रात को अपनी आखिरी रात समझना। वो कन्या लगातार राक्षस का विरोध कर रही थी, परंतु वो अपनी पूरी शक्ति लगा देने के बाद भी राक्षस की पकड़ से अपने आप को आजाद नहीं कर पा रही थी। ये दृश्य देखते ही रावण आग बबूला हो गया। क्रोध से उसकी भुजाएं फड़कने लगी, आंखों से तेज लाल अंगारे निकलने लगे। रावण ने चिल्लाकर कहा, दुष्ट पापी, स्त्री की स्वीकृति के बिना तुमने उसे स्पर्श करने का दुस्साहस कैसे किया? ये कन्या तुम्हें बार बार स्वयं को मुक्त करने के लिए कह रही है, परंतु तुम अपनी हवस की आग में अंधे होकर इस कन्या पर अत्याचार कर रहे हो। अभी तुरंत उस कन्या को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके जंगल के जंगली जानवरों को खिला दूंगा। रावण की आवाज सुनकर राक्षस का ध्यान भंग हुआ और उस विशालकाय राक्षस ने क्रोधित होकर रावण की तरफ देखकर कहा, कौन हो तुम? लगता है तुम्हारी मृत्यु तुम्हें खींच कर यहां ले आई है। रावण उस राक्षस के दुस्साहस को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने कुछ नहीं बोला, बस उस राक्षस के अहंकार को देख मुस्कुराता रहा। रावण को खामोश देखकर राक्षस ने आगे कहा, हा 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 हा, इस अंधकार से ढके हुए घने जंगल में अंधकार की भांति ही काला और अंधा नियम चलता है। वो नियम मैं बनाता हूं, मैं जो चाहता हूं यहां वही होता है, और इसमें अगर किसी ने हस्तक्षेप किया तो उसको एक ही उपहार दिया जाता है, बस एक ही उपहार, और वो है मृत्युदंड। विलोम सुर नाम है मेरा, नाम सुना है कि नहीं? इस घनघोर जंगल का पत्ता पत्ता मेरे नाम से कांपता है। यहां के वृक्ष मेरी दहाड़ से सूख जाते हैं, जंगल में रहने वाले जंगली जानवर मेरे सामने आने से थर थर कांपते हैं। तू कौन है? मेरा विरोध करने के लिए यहां कैसे आ गया? राक्षस विलोमसुर की बात को सुनकर रावण मुस्कुराया और उसने कहा, यह मेरी आदत है कि मैं हर किसी से शास्त्रार्थ नहीं करता, खासकर तुम जैसे दुष्टों से तो मैं वार्तालाप भी नहीं करता। तुम जैसों के साथ मैं सिर्फ एक ही काम करता हूं, और वो है सर्वनाश। सिर्फ सर्वनाश करता हूं मैं, और तुम्हारे सवाल का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। बस अब तुम अपनी उंगलियों पर बीतने वाले एक एक क्षण की गणना करना शुरू कर दो। विलोमसुर ने कहा, अच्छा तो तुम पहेलियां बुझाने आए हो? हाँ, रावण ने कहा, पहेलियां बुझाने नहीं, बल्कि तुम्हें इस बात का प्रमाण देने कि मेरी नहीं आज तुम्हारी मृत्यु तुम्हें खींच कर यहां ले आई है। अच्छा तो मुझे भी तुम्हारा परिचय जानने में कोई रुचि नहीं है। रही बात मृत्यु की, तो कुछ ही क्षण में तुम्हें यह ज्ञात हो जाएगा कि आज मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी मृत्यु तुम्हें यहां इस घने जंगल में लेकर आई है। इतना कहते ही विलोमसुर ने अपना आकार सूक्ष्म करना आरंभ कर दिया। देखते ही देखते दैत्याकार विलोमसुर एक गिलहरी के आकार में परिवर्तित हो गया। अब उसने सुंदर कन्या को छोड़कर रावण पर हमला करने की योजना बनाई और मैदान के बीचों बीच रखे चट्टान के पीछे जा छिपा। रावण उस राक्षस के इस रूप को देखकर सोचने लगा, ये भला कौन मंद बुद्धि है
जो मुझे रावण को चकमा देने की कोशिश कर रहा है। रावण ने चिल्लाकर कहा, तुम मुझे नहीं जानते हो मूर्ख, अन्यथा इस प्रकार का बचकाना व्यवहार तुम नहीं करते। अगर साहस है तो आमने सामने का मुकाबला करो, या अपनी हार स्वीकार कर अभी इस कन्या से क्षमा मांगकर इस वन को त्याग दो। आज तुम्हारी मायावी शक्तियां तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगी। रावण चिल्लाकर उस दुष्ट से अपनी बात कह ही रहा था कि तीव्र गति से आकर एक पत्थर का नुकीला टुकड़ा उसके उसी दाहिने पैर से आ टकराया जहां नागराज ने डसा था। अचानक आए उस पत्थर ने रावण को संभलने का अवसर नहीं दिया और रावण के पैर से रक्त की पतली धार बहने लगी। आज मेरे प्रहारों से तुम बच नहीं पाओगे। नारी की रक्षा करने वाले बहुत बड़े जनकल्याणकारी बन रहे थे ना तुम, आज तुम्हें पता चलेगा कि क्या होता है किसी के कार्य में विघ्न डालने का परिणाम। सुंदर युवती दौड़कर रावण के पास आई और उसके दाहिने पैर से बहते लहू को रोकने के लिए कपड़े के एक टुकड़े को फाड़कर घाव पर बांध दिया। उस सुंदर कन्या ने इशारे से रावण को बताया कि गिलहरी के आकार वाला वो दुष्ट बिलोमसुर चट्टान की आड़ में छिपा है। अब तक रावण क्रोध से बौखला चुका था। उसने अपने सर्पदंश वाले दाहिने पैर को तेजी से जमीन पर पटका। रावण के धरती पर पैर पटकते ही एक भूचाल आ गया। आसपास के वृक्ष, चट्टान और मैदान हिलने लगे। ये देखकर विलोमसुर थोड़ा भयभीत होने लगा और विशाल चट्टान पर खड़ा होकर अगले प्रहार की तैयारी करने लगा। इससे पहले कि विलोमसुर कुछ कह पाता, रावण ने उसके पूरे शरीर को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। विलोमसुर ने बहुत कोशिश की कि वो रावण की पकड़ से खुद को छुड़ा ले, परंतु यह उसके सामर्थ्य से बहुत बाहर की बात थी। रावण उसे उठाकर अपने चेहरे के करीब ले आया और उससे बोला, भोली भाली कन्या को बुरी नजर से देखने वाले दुष्ट दैत्य, तुमने अपने कुकर्म से पूरे राक्षस कुल का नाम बदनाम किया है। तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज तुम्हें वही सजा दी जाएगी जो तुम अपने विरोधियों को देते हो, और वो सजा है मृत्यु दंड। दर्द से कराते हुए विलोमसुर ने कहा, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी शक्ति का अनुमान नहीं लगा पाया था। आप कृपया मुझे माफ कर दीजिए। आप कौन हैं? कौन है आप बाहुबली? कृपया मुझे बताइए, आप कौन हैं पराक्रमी? दशानन के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आई और उसने ऊंचे स्वर में कहा, रावण हूं मैं, इस लंका नगरी का लंकेश, और इस क्षण मैं तुम्हारा काल हूं। इतना सुनते ही रावण की मुट्ठी की गिरफ्त में जकड़े विलोमसुर ने मूत्र त्याग कर दिया। उसका अंग वस्त्र गीला गीला हो गया। भय से कांपते हुए उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसने कहा, हे लंकेश्वर, महाराजाधिराज रावण, ये संपूर्ण जंगल आपके शासनाधीन है महाराज, परंतु मुझे इस बात का तनिक भी अनुमान नहीं था कि रात्रि के इस पहर आप इस खनघोर जंगल में पधारेंगे। मुझे माफ कर दीजिए लंकापति, आज के बाद मैं कभी भी किसी भी स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखूंगा। आज के बाद मैं कोई भी बुरा कर्म नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए लंकेश, मुझे माफ कर दीजिए। रावण की आंखें बड़ी हो गई, उन आंखों से लाल लाल अंगारे फूटने लगे, चेहरे की मांसपेशियों में थिरकन होने लगी, चेहरे पर एक असाधारण सी भंगिमा तैरने लगी। वो ठहाके मार कर हंसने लगा। दुष्ट विलोमसुर, जिसका नाम ही विलोम है, उससे ये आशा कैसे की जा सकती है कि वो अपने जीवन में कोई भी कार्य सीधे सीधे मार्ग पर चलकर करेगा। तुम क्षमा प्राप्ति के योग्य ही नहीं हो, तुम्हें तुम्हारे कुकर्मों की सजा जरूर मिलेगी। रावण की बातों से उसकी मंशा साफ झलक रही थी। विलोमसुर को यह आभास हो चुका था कि उसके पास अब चंद सांसें ही बची हैं। उसने रावण से ललकारते हुए कहा, आप कैसे लंकेश हैं जो किसी की क्षमा याचना और जीवन दान के लिए गिड़गिड़ाहट को अनदेखा कर उसे मृत्यु दंड देने पर आमादा है? रावण ने बस इतना ही कहा, ऐसा ही हूं मैं, रावण हूं। एक क्षण भी गंवाए बिना
अब रावण अपनी मुट्ठी की पकड़ को और जोर से कसने लगा। देखते ही देखते विलोम सुर के शरीर को रावण ने अपनी मुट्ठी में जकड़कर ऐसे पीसा जैसे कोई कुम्हार बर्तन बनाने से पहले मिट्टी को रौंदता है। रावण ने देखा कि उसकी मुट्ठी इतनी अधिक कस चुकी थी कि उससे रेत के कण का भी फिसलना असंभव था। महा खड़े कंटक और सभी अंग रक्षक आपस में बातें करने लगे, क्या विलोम सुर ने लंकेश की बंद मुट्ठी में दम तोड़ दिया होगा या वो पुनः कोई मायावी रूप धारण करके महाराज रावण पर हमला बोल देगा। अगले ही क्षण विलोम सुर के प्राण पखेरु उड़ गए और रावण ने उसके शरीर को मैदान में झटक कर फेंक दिया। ये देख कंटक और सभी अंगरक्षक हैरान रह गए। वे इतने हैरान थे जैसे उन्होंने कोई वास्तविक दृश्य नहीं बल्कि स्वप्न देख लिया हो। रावण के सामने वो सुंदर कन्या दोनों हाथ जोड़कर रोती हुई खड़ी थी। अब तक उसे ज्ञात हो चुका था कि उसकी रक्षा करने वाला कोई और नहीं बल्कि स्वयं लंकाधिपति रावण है। उसने कहा, हे लंकाधिपति, अगर आप आज इस वन में ना आए होते तो मेरी गरिमा भंग हो चुकी होती। मैं किसी को अपना ये मुख दिखाने के योग्य नहीं बचती। आपने यहां आकर मेरी अस्मिता ही नहीं बचाई बल्कि अच्छाई पर मेरे अटूट विश्वास को भी और मजबूती प्रदान की है। मैं आपके उपकार की अपनी अंतिम सांस तक आभारी रहूंगी। रावण ने कहा, कर्तव्य मार्ग पर चलते हुए किसी का आभार स्वीकार करना पाप के समान है, इसलिए आप बस इतना ही समझें कि आपकी रक्षा के लिए मैं यहां आया नहीं बल्कि नियति द्वारा यहां भेजा गया था। क्या आप इसी वन में निवास करती हैं? सुंदर कन्या ने कहा, मैं अपनी कुछ सहेलियों के साथ वन्य जीवन का अनुभव लेने के लिए लंका के इस मनोरम वन में कुछ दिनों के लिए प्रवास करने के लिए आई हूँ। रावण ने जैसे ही सुना कि ये सुंदर कन्या अपनी कुछ सहेलियों के साथ यहाँ इस जंगल में रहने के लिए आई है कि अचानक उसे ये ध्यान आया कि संभवतः इस कन्या को उसके बारे में अवश्य मालूम होगा जिसने मेरे शरीर से विष को निकाला था। उसने झट से आंचल का वो टुकड़ा निकाला और सुंदर कन्या को दिखाते हुए पूछा, क्या आप इस वन में किसी ऐसी विलक्षण कन्या को जानती हैं जिसके आंचल का ये एक टुकड़ा मेरे पास है? उस सुंदर कन्या ने कहा, जानती तो नहीं, लेकिन अगर वो कोई वनवासी कन्या है तो मैं पता अवश्य लगा सकती हूं। अब कृपया मुझे एक दिन का समय दीजिए लंकेश। अगर आप कल दोपहर के समय यहां इसी जंगल के मध्य बने मनोरम मैदान में इसी विशाल चट्टान के पास आए तो यह संभव है कि आपको जिसकी तलाश है उस रूपवती को लेकर मैं यहां आ सकूं। यह सुन रावण प्रफुल्लित हो गया और उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने उत्तेजना में कहा, अगर आप ऐसा कर सके तो मैं अवश्य आऊंगा। मैं उस कन्या की तलाश वैसे ही कर रहा हूं जैसे कोई प्यासा कुएं की तलाश करता है, जैसे कोई अंधा नेत्र की तलाश करता है और जैसे चकोर पक्षी चंदा के निकलने की बाट जोहता है। रावण की इस बात को सुनकर सुंदर कन्या जोर से हंसने लगी और उसने कहा, अच्छा लंकेश जी, ठीक है, कल दोपहर में इसी स्थान पर आपकी प्रतीक्षा करूंगी। आपकी तलाश संभवतः पूर्ण हो जाए। रावण ने उदास होकर पूछा, संभवतः? सुंदर कन्या मुस्कुराई और बोली, अच्छा चलिए, पूरी कोशिश करूंगी, अब ठीक है ना? रावण ने सुंदर कन्या का आभार व्यक्त किया और पीछे मुड़कर अपने रथ की तरफ जाने लगा। अचानक उसे ध्यान आया कि जैसे मैं उस कन्या का अभी तक नाम नहीं जानता जिसने मुझे विषमुक्त किया था, वैसे ही मैंने इस कन्या का नाम भी अब तक नहीं पूछा। रावण पीछे मुड़ा और मुड़कर उसने सुंदर कन्या से पूछा, मैंने आपका नाम तो नहीं पूछा, कल यहां आपसे मिलने आऊंगा तो बेहतर होगा कि मैं कम से कम इतना तो जानता रहूं कि जिनसे मिलने मैं वन में जा रहा हूं उनका नाम क्या है। सुंदर कन्या मुस्कुराती हुई बोली, लंकेश्वर, आप मुझसे मिलने कल यहां कहां आएंगे? आप तो उस कन्या से मिलने आएंगे जिसके आंचल के एक टुकड़े को आपने बहुत सहेज कर अपने सीने से लगा रखा है। रावण मुस्कुराने लगा और उसने अपने सिर को झुका लिया। उस कन्या ने आगे कहा, हाँ, लेकिन फिर भी अगर आप मेरा नाम जानना चाहते हैं तो मुझे अरण्यावती कहते हैं। रावण ने कहा, वाह,
कितना सुंदर नाम है आपका। जिसका नाम ही अरण्यावती हो उसे अरण्यो यानी जंगल से प्रेम भला कैसे ना हो। इतना कहकर रावण ने अपने दोनों हाथ जोड़कर सुंदर कन्या से विदा ली। जैसे ही रावण पीछे मुड़ा उसने देखा कि वृक्षों के पीछे से एक एक करके उसके सारे अंग रक्षक और कंटक बाहर आ रहे हैं। रावण ने कहा, अरे रथ को छोड़कर तुम लोग भी घने जंगल में मेरे पीछे आ गए। क्या तुम्हें इस बात का विश्वास नहीं था कि किसी भी आने वाले संकट का मुकाबला मैं स्वयं कर पाने में समर्थ होऊंगा? कंटक ने कहा, नहीं महाराज, अविश्वास का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, परंतु हम सबका यह कर्तव्य है कि इस वन में आपके चारों ओर हम एक सुरक्षा कवच बनाकर रखें। आपने देखा नहीं क्या, आवश्यकता नहीं पड़ने पर हम सब बीच में आए भी नहीं। इतना कहने के बाद कंटक ने शरारत भरे लहजे में रावण से पूछा, हमारी उपस्थिति से आपके और उस कन्या के वार्तालाप में कुछ विघ्न तो नहीं पड़ा ना महाराज? रावण ने कहा, कुछ विघ्न नहीं पड़ा। चलो अब हमें चलना होगा, जल्दी से हम अपने रथ की ओर चलते हैं। कंटक ने कहा, वाह महाराज, हमारे सामने आकर इतने गंभीर, हाँ, और उस कन्या के सामने तो इतने मृदुल। तुम क्या कह रहे हो कंटक? रावण ने कहा। कंटक ने हास्यपूर्ण लहजे में कहा, अरे वाह वाह, क्या बात है, वाह महाराज वाह, जय लंकेश, जय जय लंकेश, आपके भी क्या कहने महाराज। अरे वही कन्या जिससे आप अभी अभी कल अपहरण मिलने का वचन देकर आ रहे हैं महाराज। अगर आप नहीं समझे तो मैं बता दूं कि वही जिसके बारे में आप कह रहे थे कि जंगलों से भला उसे प्रेम क्यों ना हो, जिसका नाम ही अरण्यावती है। अब तो आप समझ गए होंगे ना महाराज। रावण मुस्कुराने लगा और उसने कहा, शैतान कंटक, अब तू चलता है या मैं तुम्हारे कान पकड़कर तुम्हें रथ तक ले चलूं? ये देख सभी अंग रक्षक हंसने लगे। उधर नारद जी का आदेश मानकर अपमान और पराजय का कड़वा घूंट पीकर नागदेव नागलोक में वापस तो लौट गए, परंतु उनके मन में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही थी। नागलोक में वे बेचैन होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवाजाही कर रहे थे। जंगल में स्थित नाग धाम में हुई घटना की यादें बार बार उनके मस्तिष्क पर किसी हथौड़े की तरह प्रहार कर रही थी। नागदेव ने चिल्ला कर कहा, हे जगत पिता ब्रह्मा जी, आपके मानस पुत्र ने आज मुझे रावण को उसके दुस्साहस की सजा देने से रोक दिया। आज मैं अपनी विष ग्रंथि का सारा जहर रावण के शरीर में उतार कर वहीं उसे मृत्यु की गोद में सुला देता, परंतु नारद जी ने साक्षात दर्शन देकर मुझे नागलोक लौटने के लिए विवश कर दिया। नारद जी के स्थान पर कोई और होता तो मैं उसे भी रास्ते से हटा देता, परंतु स्वयं देव ऋषि सामने आ गए तो मैं विवश हो गया। नागलोक में नागराज नागदेव की बेचैनी को देखकर वयोवृद्ध सर्प हलाहल ने कहा, नागदेव की सदा जय हो, आप इस प्रकार बेचैन ना हो प्रभु, जब किसी को हम प्रत्यक्ष रूप से हताहत नहीं कर सकते तो अप्रत्यक्ष रूप से ही उस पर हमला करना उचित होता है। जैसे हमारे नाग वंश के किसी नाग या नागिन की हत्या कोई अपने घर या प्रांगण में करता है तो हम अदृश्य रूप से सभी नाग नागिन उसके घर की घेराबंदी कर लेते हैं, उसी प्रकार अगर आप सच में रावण को परास्त करना चाहते हैं तो आपको यह देखना होगा कि रावण का सबसे अधिक करीबी, सबसे अधिक अपना कौन है। अगर हम उसे हताहत कर सकें तो रावण उस हमले से तिलमिला उठेगा। इतना सुनने के बाद नागदेव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वे पुकारते हुए आकाश की तरफ देखने लगे। अगले ही क्षण दोनों हाथ उठाकर नागदेव ने ऊंचे स्वर में कहा, रावण का सबसे प्रिय, सबसे चहेता कौन है ये मैं जानता हूं, उसमें रावण का प्राण बसता है। अब तो तिलमिला उठेगा रावण, बहुत आनंद आएगा, हाँ चरम आनंद आएगा। प्रतीक्षा करो रावण, नाग वंश का प्रतिशोध अभी बाकी है। हलाहल इस बात से अनभिज्ञ था कि आखिर क्या होगा नागवंश का प्रतिशोध।
वो स्वयं से संवाद कर रहा था, कौन है नागदेव के विशाल षड्यंत्र के निशाने पर? क्या रावण और नागदेव का वास्तविक संघर्ष अभी बाकी है? एक तरफ नागलोक में नागदेव रावण से प्रतिशोध की आग में जल रहे थे, तो दूसरी तरफ घनघोर जंगल में विलोम सुर का वध करके रावण लंका राजमहल लौटने की तैयारी कर रहा था। रावण, कंटक और अंगरक्षकों का दल उस स्थान से बाहर आ चुका था जहां मैदान में विलोम सुर का शव पड़ा था। अपने रथ पर सवार होकर रावण लंका राजमहल की ओर निकल पड़ा। कंटक रथ में उसके साथ बैठा था और पीछे पीछे अंग रक्षकों की सैन्य टुकड़ी घोड़ों पर सवार होकर चल रही थी। गुप्तचरों की टोली मायावी रूप धारण करके प्रतिपल जमीन और आकाश में रावण के रथ के साथ साथ चल रही थी। जंगल में प्रतिपल घटित हो रही सभी घटनाओं की सूचना गुप्तचरों के फैले तंत्र द्वारा लंका राजमहल में बैठे गुप्तचर विभाग के प्रमुख ग्रीवा को भेजी जा रही थी। अभी रथ कुछ ही दूर चल पाया था कि अचानक रावण ने रथ को रोकने का आदेश दिया। कंटक ने हैरानी के साथ पूछा, क्या हुआ महाराज? आपके अकस्मात रथ को रोकने का आदेश देने के पीछे कोई खास कारण है? सब ठीक तो है ना महाराज? रावण ने कंटक से कहा, रथ को वापस मोड़ो और तपस्या स्थल की ओर ले चलो। कंटक ने फिर सवाल किया, तपस्या स्थल पर वापस जाना है? मुझे चिंता हो रही है महाराज, सर्प दंश के कारण अभी भी आपका दाहिना पांव चोटिल है और आप पुनः तपस्या स्थल वो नागों के गढ़ में वापस जाने के लिए कह रहे हैं। कृपया साफ साफ बताइए लंकेश, अभी अभी तो हम वहां से आए हैं, क्या आप उस स्थान पर कुछ भूल गए हैं महाराज? रावण ने कंटक से कहा, मेरी आज्ञा का पालन किया जाए, रथ को तपस्या स्थल तक ले जाया जाए। एक काम अधूरा रह गया है, उसे ही पूर्ण करना है। मुझसे सवाल ना पूछो कंटक, सिर्फ वही करो जो मैंने कहा है। कंटक ने कहा, जो आज्ञा महाराज। रावण की आज्ञा का पालन करते हुए कंटक ने सारथियों से रथ को वापस पीछे मोड़ने के लिए कहा। रथ जंगल में तपस्या स्थल की ओर अग्रसर हो चुका था। सारे अंगरक्षक रथ के पीछे पीछे चलने लगे। कंटक ने देखा कि तपस्या स्थल पर जाकर रावण ने एक स्थान पर समाधि लगा ली। उसने अपनी आंखें बंद करके ध्यान करना आरंभ कर दिया। कंटक हैरानी के साथ ये दृश्य देख रहा था। उसने स्वयं से संवाद करना आरंभ कर दिया। अब ईश्वर जाने क्या मन में आया है कि राजभवन लौटने के बजाय वापस इस स्थान पर आकर ध्यान में लीन हो गए। बहुत देर तक रावण ध्यान मुद्रा में तपस्या स्थल पर बैठा रहा। उधर राजमहल में रात्रि के इस पहर में गुप्तचर विभाग का प्रमुख ग्रीवा प्रधान सेनापति मलय के पास गया। उसने मलय से कहा, अभी अभी आसमान में चील रूप धारण कर विचरण करने वाले गुप्तचरों ने देखा है कि महाराज लंकेश्वर अपने रथ को वापस विपरीत दिशा में मोड़कर पुनः तपस्या स्थल पर जा पहुंचे हैं। मलय ने पूछा, कोई और सूचना है कि आखिर महाराज ने ऐसा क्यों किया? क्या वहां पुनः किसी शत्रु से युद्ध की संभावना है? ग्रीवा ने कहा, नहीं नहीं, कोई युद्ध नहीं, वहां पहुंचकर महाराज ध्यान में लीन हो गए हैं। मलय ने कहा, ओह ध्यान, ऐसी चोटिल और थकावट से भरी अवस्था में पुनः तपस्या स्थल लौट कर ध्यान, अब ये सब तो लंकेश की माया है। न जाने उस महाज्ञानी के मन में क्या चल रहा होगा, कुछ भी हो सकता है इसमें, किसी का कल्याण भी हो सकता है या किसी का विनाश भी। जंगल में कंटक हैरान होकर लगातार रावण की तरफ देख रहा था। उसने देखा कि कुछ देर ध्यान मुद्रा में रहने के बाद रावण का शरीर तेज रोशनी से चमकने लगा। रात के अंधेरे में चमकते रावण के शरीर को देखकर पहले तो उसे यह लगा कि हजारों जुगनू एक साथ ध्यानमग्न रावण के ऊपर जा बैठी हैं। थोड़ी ही देर में उसने यह समझ लिया कि रावण के शरीर से निकलने वाली आभा जुगनुओं की वजह से नहीं बल्कि रावण के ओज की वजह से थी। धीरे धीरे ये रोशनी तेज होती जा रही थी। अब ये ओजस्वी रोशनी सूर्य की किरणों की तरह रावण के शरीर से बाहर फूटने लगी, मानो सूर्योदय हो रहा हो। और ये रोशनी इतनी तेज थी कि कंटक की आंखें चौंधिया गई थी। अगले ही क्षण रावण के शरीर से निकलने वाली रोशनी ने एक जगह एकत्रित होकर एक ज्योति का रूप ले लिया। कंटक तब अत्यधिक हैरान हो गया जब उसने देखा कि दिव्य प्रकाश को बिखेरती यह ज्योति रावण के शरीर को छोड़ने लगी थी। लंकेश का प्रकाशित शरीर अब अंधकारमय हो रहा था। कंटक हैरानी में खुद से कहता है, महाराज ये कौन सी लीला कर रहे हैं? शरीर से निकली इस ज्योति का क्या मतलब है?
इस तरह तो महात्मा जन समाधि लेते हैं या अपना शरीर त्यागते हैं। क्या महाराज रावण भी? सोचते हुए कंटक आश्चर्य से रावण को देख रहा था। रावण के शरीर से दिव्य ज्योति का अलग होना एक अभूतपूर्व घटना थी। कंटक लगातार उसे देख रहा था। तभी उसे अनायास देवऋषि नारद जी की बात याद आई। उन्होंने कंटक से कहा था कि रावण को अभी वन में कुछ बचा हुआ कार्य पूरा करना है, जिसके साक्षी स्वयं तुम बनोगे। उसने स्वयं से कहा, नारद जी, आपको पहले से ज्ञात था कि क्या होने वाला है। मैं सिर्फ मुखमंडल से ही चतुर दिखता हूँ। मैं भी कितना मूर्ख हूँ कि मैं लंकेश को जितना समझने का दावा करता हूँ, उसका एक अंश भी नहीं समझ पाया हूँ। मुझे लगता था कि मैंने लंकेश्वर को पूरी तरह से समझना आरंभ कर दिया है, परंतु अभी ऐसा बहुत कुछ है जो मुझे समझना बाकी है। लंकाधिपति रावण का व्यक्तित्व बहुत विशाल है, जिसका एक सूक्ष्म अंश ही मैं जान पाया हूँ। जरूर महाराज कुछ विशेष करने वाले हैं। उधर लंका राजमहल में ग्रीवा ने मले से कहा, मुझे स्वयं इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि आखिर मूर्छित अवस्था से होश में आ जाने के बाद, जब एक बार महाराज लंकेश ने लंका की ओर प्रस्थान कर लिया था, तो फिर क्या कारण है कि वे पुनः तपस्या स्थल पर लौटकर ध्यानमग्न हो गए? क्या हमें उनकी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सैन्य बल भेजने की आवश्यकता है सेनापति जी? मले ने कहा, नहीं, अभी नहीं। अगर आवश्यकता होगी तो अवश्य ही कंटक हमें सूचित करेंगे। बस अभी वहां की गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए रखो और किसी भी आशंका की स्थिति में मुझे अविलंब सूचित करो। ग्रीवा ने कहा, आप निश्चिंत रहें सेनापति जी, हमारे गुप्तचरों को कण कण की खबर है। वे हवा में भी तैनात हैं, जमीन पर भी हैं और सागर की लहरों पर भी। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए। प्रणाम। जंगल में कंटक लगातार देख रहा था कि बहुत देर तक रावण ध्यान में लीन रहने के पश्चात दिव्य ज्योति ने रावण के शरीर को छोड़ना शुरू कर दिया था। कंटक और सभी अंग रक्षक बहुत हैरानी के साथ इस नजारे को देख रहे थे। अब हवा में उड़ती हुई वो दिव्य ज्योति रावण से दूर जा रही थी। रात के अंधेरे में जहां जहां ये दिव्य ज्योति जा रही थी, वहां वहां उजाला बिखर जा रहा था। कंटक ने देखा कि अब वो दिव्य ज्योति तपस्या स्थल के उस स्थान की तरह बढ़ रही थी, जहां रावण की मायावी शक्तियों के कारण सैकड़ों नाग पत्थर की प्रतिमा बन चुके थे। एक एक करके उस दिव्य ज्योति ने नागों की पाषाण प्रतिमाओं के फनों को स्पर्श करना शुरू कर दिया। कंटक देखकर हैरान हो गया कि जैसे जैसे रावण के शरीर से निकली दिव्य ज्योति ने पाषाण की प्रतिमा में तब्दील हो चुके नाग सांपों को छुआ, वो सारे के सारे सांप जीवित हो उठे। वे पत्थर से पुनः अपना वास्तविक रूप धारण करने लगे। धीरे धीरे पत्थर की सभी मूर्तियां असली नाग सांपों में परिवर्तित हो गई। सैकड़ों की संख्या में पत्थर की मूर्ति से अपने वास्तविक रूप को पाने वाले सारे नाग सांप ध्यान मुद्रा में बैठे रावण के समीप आ गए। वे शांति के साथ रावण के सामने फन फैलाकर बैठ गए। कंटक के लिए यह नजारा किसी स्वप्न से कम ना था। उसने देखा कि धीरे धीरे रावण ने अपनी आंखों को खोला, नाग सांपों की विशाल सर्प सेना की तरफ देखा और मुस्कुराया। ये एक रहस्यमय मुस्कान थी। इसके बाद रावण अपने स्थान पर खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। करबद्ध मुद्रा में वो घुटनों के बल बैठ गया और अपना शीश धरती से लगाकर रावण ने सर्प सेना का अभिवादन किया। रावण की ये रहस्यमय भाव भंगिमा और उसका ये नया स्वरूप कंटक और अंग रक्षकों की समझ से परे था। रावण अपने दोनों हाथ जोड़े अपने शीश को धरती से सटाकर समर्पित भाव से कुछ देर इसी मुद्रा में बगैर किसी हलचल के स्थिर रहा। अचानक रावण के सामने फन फैलाकर खड़ी विशाल सर्पसेना में हलचल होने लगी। सभी नागों ने एक साथ अपने तने हुए फन को धरती से लगाकर रावण के अभिवादन का प्रतिउत्तर दिया। इसके बाद एक एक करके सभी नाग सांप रेंगते हुए समीप के बिलों में चले गए। कुछ देर बाद रावण भी अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी हथेलियों को धीरे धीरे अपनी आंखों पर मलते हुए अपनी आंखें खोल दी। जब उसने देखा कि सारे नाग सांप सुरक्षित अपने बिलों में चले गए हैं, तब वो मुस्कुराने लगा। कंटक भागकर रावण के पास आया और उसने कहा, हे लंकेश,
ये मैंने आपका कौन सा रूप देखा? जिस सर्प सेना को आपने क्रोधवश पत्थरों में कैद कर दिया था, उसी को आपने स्वयं मुक्ति दे दी। किसी को सबक सिखाने की भावना पर पूरी तरह आपने कैसे विजय प्राप्त कर ली है महाराज? रावण मुस्कुराया और अपने स्थान पर खड़े होकर उसने कंटक से कहा, मैंने अपना एक बचा हुआ कार्य पूर्ण कर लिया कंटक, अब मैं चिंता मुक्त होकर राजमहल की ओर प्रस्थान कर सकूंगा। कंटक ने कहा, जय लंकेश, जय जय लंकेश, आपकी माया है महाराज, आप ही जाने इसका मर्म। परंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आई महाराज, कि जिन सांपों ने आपका मार्ग अवरुद्ध किया था और आप पर हमला किया था, उन सांपों को आपने भला जीवन दान क्यों दे दिया? कंटक का सवाल सुनकर रावण मंद मंद मुस्कुराने लगा और उसने कहा, ऐसा ही हूं, मैं रावण हूं। अरे ओ प्यारे कंटक, अभी तो तुम मुझसे जुड़े ही हो, कुछ दिन मेरे साथ रहो तो तुम्हारी सभी जिज्ञासाओं का हल मिल जाएगा। अब चलो, हमें राजमहल भी पहुंचना है। कंटक ने हास्यपूर्ण लहजे में कहा, हाँ महाराज, सूर्योदय से पूर्व लंका भी पहुंचना है और कल दोपहर तक पुनः वन में आना भी है। हाँ, याद है ना महाराज? रावण ने कंटक का कान पकड़ते हुए कहा, फिर से शैतानी? हाँ बोलो। चलो अब यहां से यथाशीघ्र प्रस्थान करते हैं। देवलोक के देवतागण ऊपर से तपस्या स्थल के दृश्य को देखकर आपस में वार्तालाप कर रहे थे। वरुण देव ने इंद्रदेव से कहा, रावण के इस रूप को देखकर आपको आश्चर्य नहीं हुआ प्रभु? इंद्र ने वरुण देव से कहा, एक दानव में देवत्व के गुण को देखकर और धर्म मार्ग पर चलने वाले की भांति आचरण को देखकर आश्चर्य का होना तो स्वाभाविक है वरुण देव। नारायण नारायण, हरि हरि, क्यों अचरज करते हो इंद्रदेव घड़ी घड़ी? कहते हुए नारद मुनि इंद्रलोक में पधारे। उन्होंने कहा, रावण की रगों में दौड़ने वाले लहू में देवत्व के गुण भी हैं और दानवत्व के दुर्गुण भी हैं। स्वयं रावण एक महाज्ञानी है प्रभु, उसने धरती लोक पर अभी अभी जो किया है वो संभवतः अभी एक रहस्य हो, परंतु रावण के इस कृत्य के पीछे अवश्य कोई मजबूत कारण होगा। काल देव को अवश्य इस रहस्य के पीछे की कहानी का ज्ञान होगा, अगर नहीं होगा तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही शक्ति है जिसे सब कुछ ज्ञात होता है, और वो है स्वयं देवाधिदेव भगवान भोले शंकर। मैं तो इतना ही कहूंगा कि जब रावण में देवत्व के भाव प्रबल रूप से सामने आते हैं तो वे अनुकरणीय लगते हैं, परंतु जब कभी उसमें दानवत्व का असुरी भाव प्रबल होगा तब वो विनाशकारी और विध्वंसक भी हो सकता है इंद्रदेव। नारायण नारायण। जब नारद जी ने देवताओं के चेहरे पर हैरानी का भाव देखा तब उन्होंने कहा, उत्तेजित ना हो देवतागण, काल के गर्भ में ऐसे अनेक रहस्यों का खजाना छिपा है, समय आने पर सभी रहस्यों से पर्दा उठ ही जाता है। मैं तो चला विश्राम करने, और आप सब देवगण भी रात्रि के इस पहर में अब विश्राम कर ही लीजिए। नारायण नारायण। रात में जंगल की लंबी यात्रा के पश्चात जब रावण का रथ स्वर्ण लंका के राजभवन के मुख्य द्वार पर पहुंचा तब माता कैकसी, नाना सुमाली, बहन शूर्पनखा, विभीषण, ग्रीवा, सेनापति मलय के साथ साथ बड़ी संख्या में प्रजा, सैनिक और दरबारी इकट्ठा थे। रावण के सुरक्षित वापस लंका में आने की खुशी में सबने उद्घोष आरंभ कर दिया, लंकापति रावण की जय, महाराज लंकेश्वर की जय, महाबलशाली लंका नरेश की जय। इन जयकारों के बीच रावण रथ से उतरकर मुख्य द्वार के समीप पहुंचा, जहां हाथ में आरती की थाली लिए माता कैकसी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। माता ने रावण के माथे पर तिलक लगाया और आरती की। बहन शूर्पनखा ने फूलों की माला पहनाकर अपने भाई का स्वागत किया। इसके उपरांत रावण राजमहल में प्रवेश कर गया। सुमाली ने कहा, मुझे जंगल में हुए घटनाक्रम की सूचना गुप्तचरों द्वारा लगातार प्राप्त हो रही थी। रावण से बात करते हुए सुमाली की नजर उसके दाहिने पैर पर बने सर्पदंश के निशान पर पड़ी। उसने अविलंब राजवैद्य को बुलाने के लिए एक सेवक से कहा। रावण ने अपने नाना को चिंतित देखकर कहा, नाना श्री, आप इस सर्पदंश को देखकर परेशान ना हो,
अब मेरे शरीर में विष की एक बूंद भी नहीं है। रावण अपने नाना से बातें कर ही रहा था कि तभी कंटक बीच में कूद पड़ा। जी नाना श्री, हमारे लंका के राज वैद्य से भी बड़े ज्ञानी वैद्य ने महाराज का उपचार किया है। हाँ, रावण ने कंटक को आंख दिखाते हुए बोला, तुमसे किसी ने पूछा है जो तुम कहानी का बखान करने बैठ गए? भागो यहां से, जाओ विश्राम करो। कंटक हंसते हुए वहां से उठकर अपने शयन कक्ष की तरफ चला गया। सुमाली ने रावण से कहा, नागदेव ने जो दुस्साहस किया है ये उनके लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। सुबह विस्तार से इस बारे में वार्तालाप करेंगे। कुछ ही देर में सूर्योदय होने वाला है, इसलिए तुम सीधे अपने शयन कक्ष में जाकर विश्राम करो रावण। कैकसी ने कहा, पुत्र सुबह की प्रातःकालीन पूजा के बाद तुम मेरे पास कुटिया में ही आ जाना, हम सभी लोग वहीं जलपान करेंगे। रावण ने कहा, आपका जैसा आदेश हो माता, मैं कल प्रातःकाल जलपान से पूर्व कुटिया में उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर रावण अपने शयन कक्ष में चला गया। रावण अपने कक्ष में विश्राम करने के लिए जा चुका था। उसने सेवकों से कहा कि वो बहुत अधिक थक चुका है, इसलिए अकारण उसके विश्राम में विघ्न ना डाला जाए। रावण ने बहुत प्रयास किया कि उसे नींद आ जाए, परंतु बार बार उसका ध्यान उस कन्या की तरफ खिंचा चला जा रहा था जिसने उसके शरीर से नागदेव का विष निकालकर उसे विषमुक्त किया था। वो अपने आरामदायक बिस्तर में लेटकर शयन कक्ष की छत की तरफ देख रहा था। वो सोच रहा था कि आज हृदय में न जाने कैसी विचित्र तरंगे उठ रही हैं, जिनकी अब तक उसे पहचान न थी। ऐसे अपरिचित भाव लगातार बहुत तेजी से मन में उमड़ रहे थे। रावण को लग रहा था कि कुछ तो ऐसा है जो बिल्कुल नया है। ये कुछ ऐसे मनोभाव थे जिसे अब तक के जीवन में उसने महसूस नहीं किया था। बार बार अपना ध्यान निद्रा की ओर ले जाने के बावजूद रावण को नींद नहीं आ रही थी। रावण का मन आज एक दोराहे पर खड़ा था। एक ओर वो उसके जीवन की रक्षा करने वाली वनवासी रूपवती कन्या के विषय में सोचकर मखमली मनोभावों से खेल रहा था, वहीं दूसरी ओर उसके ललाट पर अपनी माताश्री को लेकर चिंता की लकीरें गहराती जा रही थी। वो सोच रहा था कि एक तरफ वो अपने आलिशान भव्य शाही शयन कक्ष के आरामदायक बिस्तर पर सोया है, वहीं दूसरी तरफ उसी राजमहल के बाहरी हिस्से में बने उद्यान में उसकी प्यारी माता एक कुटिया में सोने के लिए विवश है। इस विचार के मन में आते ही वो बेचैन हो उठा। उसने अपना बिस्तर त्याग कर जमीन पर एक चादर बिछाई और सोने की कोशिश करने लगा। अगले ही क्षण वो पुनः उठा और अपने वस्त्रों के बीच रखे आंचल के उस टुकड़े को ले आया जिसे उसने बहुत संभाल कर रखा था। जमीन पर लेटकर उसने आंचल के टुकड़े को अपने सिरहाने रख लिया। रावण ने सोचा कि संभवतः जमीन पर सोते हुए इसी आंचल की सौम्य छाया में उसे कुछ देर के लिए आराम मिल जाए। किसी तूफान की तरह उमड़ घुमड़ कर बार बार आने वाले ये मनोभाव उसके लिए नए तो थे, परंतु इनसे गुजरना इतना सुखद था कि रावण मन ही मन किसी दूसरे लोक में विचरण करता हुआ आनंदित हो रहा था। अभी वो इन एहसासों को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक उसने कुछ कोलाहल का शोर सुना। उसके कानों में सेवकों और सैनिकों के इधर उधर दौड़ने की आवाजें आने लगी। उसे ऐसा लगा कि राजमहल और उसके आसपास कुछ तो ऐसा हुआ है जो सामान्य नहीं है। सैनिकों की चहलकदमी वो आसानी से सुन सकता था। शयन कक्ष में अचानक एक सेवक आया और उसने प्रवेश करने की अनुमति मांगी। रावण ने उससे पूछा, क्या हुआ है बाहर, इतना शोर शराबा क्यों है? सेवक ने कहा, लंकेश की जय हो, आप शीघ्र चलिए महाराज, राजमाता जी की कुटिया में एक अति विशाल नाग सर्प देखा गया है। ऐसा विशाल काय सांप आज तक लंका में नहीं देखा गया। सांप राजमाता जी के सामने कुंडली लगाकर बैठा है और अत्यंत क्रोधित लग रहा है। उसकी फुफकार इतनी तेज है कि यहां शयन कक्ष तक सुनाई दे रही है। रावण ने हैरान होकर कहा, नाग सांप? रावण बेचैन हो उठा। उसने सेवक से पूछा, क्या तुम्हारी राजमाता कैकसी के प्राण को खतरा है? इस अति सुरक्षित राजमहल में कहां से आ गया इतना विशालकाय नाग सांप? वो अपने शयन कक्ष से बेचैन होकर भागता हुआ निकला और दौड़ते हुए उद्यान में स्थित कुटिया की तरफ जाने लगा। उसके साथ साथ अनेक अंगरक्षक और सेवक भी अपने महाराज के पीछे पीछे दौड़ रहे थे।